विल आयरन गोलेम्स की। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ उत्तेजित हाथी के बच्चे, बाकी की लाइन भी तो पढ़ ले और समझ ले। मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में जो सोचने की शक्ति है उसके हिसाब से और जो मेरे ग्रहों की दिशाओं के हिसाब से प्लेन बायोम के ब्लीच पे अटैक होगा। तो चुप रहे, न धरती का न चांद का ज्ञान देता है ब्रह्मांड का। इस लाइन का क्या मतलब है, खाने के बाद आएगी हमारी बारी? हो सकता है खाना खाने के टाइम के बाद अटैक होगा, मतलब दिन में 12 बजे के आसपास या फिर शाम के 7 बजे। हाँ यही लग रहा मेरे को भी। यही लग रहा क्या, यही है। फालतू टाइम पास मत करो, चलो माइनिंग करते करते सैंड बायोम चलते हैं ताकि रिसोर्सेज भी इकट्ठा हो जाए और अपन सैंड बायोम भी पहुंच जाए जल्दी। सबसे पहले अपन बहुत सारा आयरन इकट्ठा करके बनाएंगे आयरन ब्लॉक्स, साथ ही अपन को करना होगा 20-30 पंपकिन इकट्ठा या फिर जितना हो सके, क्योंकि अभी अपने पास फार्मिंग का टाइम नहीं है, और फिर उसको कार्ब्ड करना होगा। फिर एक आयरन ब्लॉक के ऊपर 3 आयरन ब्लॉक्स रखो और उसके ऊपर कार्ब्ड पंपकिन रखो, फिर आयरन गोलम्स बन जाएगा जो कि इविल आयरन गोलम्स से लड़ने में हमारी मदद करेगा। वैसे तो हमें उनकी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले काफी हूँ इविल आयरन गोलम्स को निपटाने के लिए, बट मदद लेने में क्या जाता है, 40 से 40। चलो बढ़िया है मियां भाई, तुम खुद से भी तो कुछ सीख रहे हो आगे। तू देखता जा बस आगे आगे मैं क्या करता हूँ। चलो तुम लोग ये केव में जाकर माइनिंग करो, सारा आयरन ले आओ, डायमंड्स मिल जाए तो क्या ही कहने, मैं इधर आसपास जाके पंपकिन ढूंढता हूँ और अब सीधे विलेज पे ही मिलूंगा। ठीक है, तू जाके पंपकिन ढूंढ, हम तीनों इधर माइनिंग करते हैं। तीनों एक साथ क्यों चल रहे हैं, अलग अलग केव में जाते हैं ना, जल्दी काम होगा। तू अकेला जा पाएगा? कोई शक? हाँ है। तो उसकी पुंगी बनाकर लावा में फेंक दे बड़ू, क्योंकि अब हम वो चिंटू नहीं रही जो क्रीपर को देख के भागा करते थे, अब तो हम क्रीपर को फटाके की तरह हाथ में फोड़ते हैं। क्रीपर से याद आया, माइनिंग करते वक्त तेरे को जरा सी भी क्रीपर की फटने की आवाज आए तो तुरंत शील्ड लगा लेना, मरेगा नहीं। एक तो वो साला कहीं से भी टपक जाता है कौए की पोट की तरह। ठीक है, साला सिर्फ 10 आयरन गोलम बनाने के लिए 360 आयरन इंगट चाहिए, इतना आयरन और खोदते खोदते तो मेरा हाथ लकवा मार जाएगा। अबे हटना हरी चटनी। ओह 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 ओह, वाह वाह वाह, डायमंड्स, क्या बात क्या बात क्या बात है। व्हाट यू नो अबाउट माइनिंग डाउन इन द केव्स? आखिरकार मिल ही गए पंपकिंस, कितने 10-11-12 लग रहे। ओ कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मुझे इसको पालना है, मुझे इसको पालना है, पर मेरे पास तो हड्डी नहीं है, क्या करूं? ओ बो रहा है स्केलेटन। बहू बहू मिया बहू मिया बहू। Hey you, Mister. Hey, who are you? And why are you standing in my way? कौन है तू? तू इतना लंबा क्यों है? तेरे को क्या किसी ने बचपन में खेल दिया था? तेरे को क्या दस्त लगे जो ऐसी आवाज निकालता है और मुंह से आता है क्या जो मुंह से निकाल रहा है? गुस्सा किस पे हो रहा है? किसको आग दिखा रहा है? क्या कर देगा तू मेरा? अरे भागो, अरे भागो भागो, बड़ू। ये तो टेलीपोर्ट हो सकता है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? अरे यार बाल बाल बच्चा बड़ू, बाल बाल बच्चा, बाल बाल, अब तो रुक साले, अब रुक साले तू। ये दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए कभी अच्छी थी ही नहीं और ना ये तुम्हारे लिए कभी अच्छी होगी, तो फिर इस दुनिया के लिए अच्छा क्यों बनना? बी द इविल इन द वर्ल्ड, बी द इविल गार्डियन। तुम विलेजर्स के लिए लड़ते हो, उनको बचाते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। जाओ मेरे लिए काम करो, विलेजर्स पे हमला करो, उनको मेरा बत्ती बना के लाओ, जाओ। चलो एक गेम हो जाए। हो जाए ब्रो, मैंने नहीं खेला आज तक माइनक्राफ्ट, मुझे नहीं आता। अबे टेंशन ना ले, हम है ना, कुछ नहीं होगा, सब बता देंगे। हाँ मियाँ भाई, बहुत मजा आएगा, एक बार चलो तो। ठीक है, तुम्हारे ही भरोसे चल रहा हूँ।
अरे यहाँ पे जो डब्बे डब्बे चारों तरफ, ओहो वो सन को देखो, सन को चौकोर आकार का बादल भी, कैसी दुनिया है बिड़ू। यही तो इस माइनक्राफ्ट दुनिया की खासियत है चिंटू, देखता जा बस तो कितना मजा आएगा। दोस्तों आपको भी इस मजे का अनुभव करना है तो अभी सक्कर चाय करो और नोटिफिकेशन दबाओ ताकि ये सीरीज की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। देख चिंटू कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग है, चुपचाप कान खोल के सुन ले। बिड़ू तो स्क्रू ड्राइवर दे ना ताकि कान के नट खोल सकूं। मिया भाई ये फालतू जोक मारने का समय नहीं है। ये तो जोक भी नहीं था। हाँ हक दिया था मुंह से। कसी है चिंटू, टाइम पास मत कर, अभी रात हो जाएगी। फिर तो रात में परियां आएंगी, परियां। परियों नहीं, परियों के बाप दादा चाचा आएंगे, ज़ोंबी क्रीपर स्पाइडर एंडर ड्रैगन, वो यहाँ नहीं आएगा ढक्कन। पहली बात तो अभी यही नहीं पता इसमें एंडर ड्रैगन है कि भी नहीं, या फिर कोई नए नए मॉब भी हो सकते हैं। ये रेगुलर सर्वाइवल गेम नहीं है, इसकी स्टोरी अलग है ताकि अपने सब्सक्राइबर को कुछ नया देखने को मिले, इसलिए बोल रहा हूँ रूल्स सुन लो, कान खोल के चुपचाप लगे बकेती पेलने। तो बोलने बड़ू, हमने कब रोका है? देखो मिया भाई, इस माइनक्राफ्ट दुनिया में अपन आए खाली हाथ और जाएंगे पता नहीं क्या करके, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कौन कौन से मॉब से अपनी लड़ाई होने वाली है, क्या क्या होगा आगे। जब तेरे को पता ही नहीं खेलते कैसे है तो तू लाया क्यों मुझे? अंडे तोड़ने आते नहीं, ऑमलेट बनानी चली। खेलना आता है मिया भाई मेरे को, एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के बॉस मॉब को मार चुका हूँ, एक से बढ़कर एक चीज करी अपने वर्ल्ड में। बट अपन जो अब कर रहे हैं इसकी स्टोरी लाइन अलग है, इसमें शायद किसी से अपनी मुलाकात हो सकती है, वो अपन को बताएगा ऐसा करो वैसा करो, या फिर समय के साथ शायद अपन को खुद ऑटोमेटिकली पता पड़ जाए कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। राइट नाउ वी डोंट नो, अपन को तो बस अपने आप को तैयार करना है बेसिक चीजों से, जैसे घर, आर्मर से, खाना से। सबसे पहले आज अपन को बनाना पड़ेगा घर, क्योंकि रात में आते कुछ चमन जो दिन में सो लेते हैं रात में अपन को मारते हैं, तो उनसे बचने के लिए घर होना जरूरी है। ब्रो तो खरीद लो घर इन गेम पैसों से, बनाने की क्या जरूरत यार, ये GTA 5 नहीं है, इसमें सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, A to Z चीजें आसपास जो भी मटेरियल है उसको यूज करके, और इसमें ही तो मजा है मेरे मियां भैया, यू कैन बी क्रिएटिव एज फक। यस, मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड देख लेगा तो पागल हो जाएगा। क्या तूने सिर्फ पागल खाने बनाए हैं क्या अपने वर्ल्ड में? एक दूसरे को रोस्ट करो तुम, नहीं एक दूसरे को रोस्ट करो, रात हो गई ना तो ज़ॉम्बीज आके फ्राई कर जाएंगे। चलो मटेरियल इकट्ठा करना है, एक बीम भी खड़ा नहीं हुआ अभी तक, चलो। बस इतना सा ही था बताने को बड़ू? अरे बहुत कुछ है बताने को, पर अभी नहीं बताऊंगा, रात हो जाएगी, टाइम टू टाइम जरूरत होगी तो बता करूंगा। हाँ और एक और बात, इस स्टोरी मोड में अपन सबके पास बस एक ही लाइफ है, कोई रिस्पॉन होने वाला सिस्टम नहीं है, अगर अपन चारों की मिला के टोटल 4 लाइफ खत्म हो जाती है और स्टोरी खत्म नहीं कर पाते, मतलब वो आखिरी एनिमीज नहीं मार पाते, तो फिर एनिमी की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और जिंदगी भर भय रहना पड़ेगा, अपन असली दुनिया में वापिस नहीं जा पाएंगे, इस गेम में ही रह जाएंगे। सो बी केयरफुल मियां भाई, कीप योर सिली जोक्स टू योरसेल्फ। असली दुनिया में तो वापिस जाना है यार, यहाँ पे तो एक भी लड़की नहीं है। सॉरी डार्लिंग, ये निब्बा ही रहेगा जिंदगी भर, तो चलो घर बनाने। सुन चिंटू, ये पेड़ में से लड़की का लकड़ी का लट्ठा इकट्ठा कर, फिर उसको प्लैंक में कन्वर्ट कर, फिर प्लैंक से स्टिक बना, फिर स्टिक और प्लैंक से हथियार बना, जैसे गेथी, पावड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी ये सब, फिर उन हथियार से पत्थरों को खोद के इकट्ठा कर, बस इतना कर आज तू। बड़ू तेरे को अगर टॉयलेट लगी है तो तू मुत के आ जा, पर स्लो बोल, ये क्या रायता फैला दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपनी स्टोन एज के दिमाग को अपग्रेड करो मॉडर्न एज में, सिंपल सी बात है, ये है वुड लॉग, इसको तोड़ के इकट्ठा करो, फिर अपनी इन्वेंटरी में जाके इसको प्लैंक में क्राफ्ट करो, फिर उस प्लैंक से वुड स्टिक एंड 3x3 की क्राफ्टिंग टेबल बना लो अपनी इन्वेंटरी में, 2x2 के क्राफ्टिंग टेबल, बस इतना करो। कुछ समझ तो नहीं आया पर ट्राई करूंगा। बहुत मजदूरी करनी पड़ती है माइनक्राफ्ट में। मैं एक लकड़हारा हूँ, लड़कियों का प्यार, अरे नहीं, ये कब हुआ, ये तो होते हो ही नहीं सकता, व्हाट, नहीं दिस इज नॉट, चलो उधर घूम के आता हूँ, इधर बोर हो गया। रात हो गई, बेड तो लगा लो सालो, रात भर जगा के मारोगे क्या? ब्रिटानिया मैंने तेरे से बुल लाने को बोला था, लाए बुल मिया भाई। हाँ बड़ी मुश्किल से मिले, दूर दूर तक शीप नहीं मिली।
चिंटू कहाँ है? हैं? यहाँ नहीं है, कहाँ गया? कहाँ चला गया यार, मरेगा क्या? ज़ॉम्बीज़ के हाथ एक ही लाइफ है, कॉम्बैट बॉम्बैट करना आता है नहीं, बोल के गया था यही रहना। यार बड़ू वापिस जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, दिमाग भेरा गया है, कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। एक तो मैप अलग नहीं है, इसमें रात अलग हो गई, क्या करूं? कौन है रे? अरे ये क्या है, कैसी आवाज निकाल रहा है, पेट खराब जैसी। पास क्यों आ रहा है, पास क्यों आ रहा है? दूर जा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर, सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो मार रहा है ब्रू, तेरी तो इतना मारूंगा साले हरे से लाल हो जाएगा। एक मुक्का मारा साले, दोस्तों को बुला लाए, चीटिंग कर रही तू। और ये ब्रू भागो। अब ये क्या है ब्रू, आगे की लाल टॉर्च लगा दी किसी ने, मकड़ा है ये तो, मेरे प्यार कर सजड़ा चकना। ओए मकड़ा भागो मम्मी। ओई माँ, बाढ़ मारने वाली भी है इसमें तो। अरे बचाओ, कहाँ फंसा दिया इसकी ब्लू, मेरी टट्टी निकल जाएगी, एंड पॉइंट पे आ गई है। अरे अब ये कौन है लुप चुप करता हुआ, ये तो फटके फाड़ रहा है ब्लू। कहाँ मर गया चिंटू? ब्लू हट जा सामने से। बड़ू ये क्या, ये गाली आया, कब तक रोना पड़ेगा? मेरी तो आत्मा निकल गई थी, जिंदगी में इतना तेज आज तक नहीं भागा होऊंगा। साला एक नमूना पिछवाड़े पे बाढ़ मार दिया, जो टट्टी एंड पॉइंट पे आई थी वो वापस अंदर चली गई। एक तो मेरे पास आके फट गए साला, टायर खानदान का था क्या? मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। चुप, कंप्लीट करे बगैर वापस नहीं जा सकते। तुम्हें 50 बार बोले हैं, तुम जैसे नवेले लूप से लटक, तुम जैसे प्रो लोगों के साथ रहना चाहिए हैं। अबे यहाँ आसपास रहो, माइनिंग वाइनिंग करो और घर को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे शरीर में बिजली दौड़ रही है, दूर जाएंगे ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे। आज की तो बात है, कल तेरे को बकायदा आर्मर और हथियारों से सुसज्जित कर देंगे, हाथ तोड़ देना सालों के। पर क्रीपर के तो हाथ ही नहीं होते। तू सबसे पहले ना इसके मुंह में TNT डाल के ब्लास्ट कर देना, कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच चुकी है इसकी जुबान चल चल के। पता नहीं लोग फैक्चुअल बातों पे इतना ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। फैक्ट और कॉमन सेंस में फर्क होता है। हाथ तोड़ने वाला है इसका मतलब ये नहीं हाथ तोड़ दो, बल्कि मतलब सामने वाले को मोक्ष प्राप्ति करा दो, मृत्यु दे दो, और कोई मेरे मुंह में दे दो खाना, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पतला हो जाऊंगा, फिर वापस असली दुनिया में जाऊंगा तो सब हड्डी हड्डी बोलेंगे, कोई लड़की भाव नहीं देगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, फिर मैं कुंवारा रह जाऊंगा, बुढ़ापा और जवानी कैसे कटेगी फिर ब्लू। भाई 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 भाई, तू इतनी आगे का मत सोच, ये ले खाना, ले खाना। छी, ये क्या दे रहा है? खाना है और क्या है? खाना नहीं है, किसी का भूत है, वेजिटेरियन लाके तो कुछ। वेज में कुछ नहीं है अभी, यही खाना पड़ेगा फिलहाल तो। मिया भाई मैं नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा वाली। हाँ तो मर जाओ। ऐसा करेगा तू मेरे साथ ब्लू, यही तेरी दोस्ती है? हाँ यही है, जब से देख रहा हूँ नखरे पे नखरे। दुश्मन न करी बड़ों ने वो काम किया है, एक तो मेरी पैलेस ही फटी हुई है, दुनिया भर के जल्लाद मेरे पीछे पड़ गए थे, मरते मरते बचा। पहली बार कह रहा हूँ, कुछ पता पता है नहीं, भूख अलग लग रही है और तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। बड़ू चिंटू, तू अपने भाइयों के होते हुए क्यों रो रहा है? हाँ हम है ना, रो क्यों रहा है? ऐसे इमोशनल नहीं होते, और ना मैं करो कल ही तेरे लिए बीट फार्म खड़ा करूंगा, बकायदा तू ब्रेड खाना जो बोलेगा, एप्पल पटेटो सब ला के दूंगा, बस आज रात भूखे गुजार लो, बस आज की बात है। ठीक है चलो सो जाओ, अब लगे बकेती पहले। हाँ दे बकेती में दे बकेती, माइनक्राफ्ट चल रहा है, माइनक्राफ्ट कॉमेडी। गुड नाइट फ्रेंड्स, सपने देख लो। एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। कौन है? Who the you the R is the Minecraft में है, San Andreas is the. Open the door, we are your friends. Hey, my name is Steve. My name is Alex. My name is Chintu Blue, the greatest person alive on this universe. हमने पूछा? ये दुनिया. Oh, we were just joking. Don't take it seriously, man.
First of all, congratulations to all of you guys. You survived first day of Minecraft, which is the first challenge for all the newbies. Thank you very much. Yes, we will. Oh, big fan, Steve भैया, big fan. Alex भैया, बेना, जो भी हो, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, big fan. प्यार है आप लोगों का, तभी तो 11 साल बाद भी आज हम टॉप पर हैं. मुझे तो खेलना ही नहीं आता, पहली बार खेल रहा हूँ 10 साल बाद, पर कोई बात नहीं, देखना मैं इन सबसे अच्छा खेलने लगूंगा कुछ दिनों में. हर गेम के साथ मेरा यही फंडा है, 2-3 दिन लगते हैं मुझे बस सीखने में. जाके सपने देखना एक आम समस्या है, इसके लिए भरपूर नींद ले और अपनी खाली दुनिया से बाहर निकले. चिंटू की तरह ना बने, उसको लगता है जैसे वो शूटिंग एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम में 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद बोट क्रिप्टा के प्रो बन सकता है, वैसे ही इसमें प्रो बन जाएगा. पर उसको कोई समझाए, ये सैंडबॉक्स गेम है, इस पे क्रिएटिविटी की जरूरत है, जिसके लिए दिमाग चाहिए, जो कि उसके पास है नहीं. चलो अब काम की बात कर ले. हाँ जरूर. See, we come here to guide you through the story. हम तुमको टास्क के बारे में बताएंगे और जो पॉसिबल हिंट्स हम पता लगा पाएंगे वो आपको बताएंगे. एविल जार्डी नाम की एक भयानक, खतरनाक, गंदी सोच की एक गंदी मॉब सारे बायोम्स के सारे रिसोर्स पे अपना कब्जा करना चाहती है और सारे मॉब्स को अपना गुलाम बना के सेना बनाना चाहती है. हॉस्टाइल मॉब ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है, बट हॉस्टाइल मॉब्स के नॉट क्राफ्ट नोर दे कैन डू माइनिंग, पर ब्लेजर क्राफ्ट और माइनिंग सब कर सकते हैं, इसलिए इसका आखिरी मकसद है ब्लेजर और ट्रेडर को अपने नौकर बनाना और उनसे सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना और करवाना. यू हैव टू स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग्स. यू गाइस आर द चूजन वन. तुम्हें चूज लिया गया, सॉरी चूज कर लिया गया है. तुम ही नहीं है, तुम ही किनारे बचा लो, पिछवाड़े सोचने वाले हैं हमारे. उसके पास अभी इन्फ्लुएंसिंग के अलावा कोई पावर नहीं है, पर जैसे जैसे उसको रिसोर्स मिलते जाएंगे वो पावरफुल बनती जाएगी. पर वो ब्लेजर्स, ट्रेडर, कुछ एनिमल्स और अपन सबको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. अपन सबको छोड़ के सबको इन्फ्लुएंस कर सकती है कुछ भी करवाने के लिए. उसने सबसे पहले ब्लेजर्स के दोस्तों को ही दुश्मन बनाया है, आयरन गोलेम को अपने बस में करके ब्लेजर्स पे अटैक करवाया है. तुम्हारा पहला मिशन काउंटर आयरन गोलेम क्राफ्ट करके ब्लेजर्स को इविलिजार्डी की तरफ से भेजी गई आयरन गोलेम की तरफ से बचाना है. वैसे बड़ो अपन को एक बात पूछनी थी. पूछो, क्या पूछना है? तुम लोगों की नाक में तो छेद है ही नहीं, सांस कैसे ले रहे हो? कभी आईने के सामने जाके ये सवाल अपने आप से भी करना. तो अभी हम चलते हैं, चलो बाय. तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ. अरे 2 दिन बाद फिर आएंगे बताने कब और कहां अटैक होने वाला है, तब तक तुम अपने आप को तैयार करो, उसमें टाइम लगेगा. लड़की थोड़ी है जो टाइम लगेगा, मुंह हाथ धोए हो गए तैयार. शादी में आया है तू? अरे तैयार का मतलब रिसोर्सेस इकट्ठा करो, आर्मर क्राफ्ट करो, खाने पीने का इंतजाम करो और हथियार बनाओ. चलो 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 चलो. हिलो ढिलो कोई तो चलो. चलो मैं ही चल लेता हूँ. चिंटू ये घास दिख रही है? हाँ खाली, बहुत भूख लग रही थी. अबे बकरी की औलाद, इसको तोड़, इनमें से तुझे कुछ वीट सीड्स देंगी, वो मुझे लाके दे, तब तक मैं खेत बनाता हूँ. ओके ब्लू, वैसे खेत क्यों बना रहा है, उसके साइड में हगेगा तू क्या? नहीं, उसके लिए तेरा मुँह काफी है. ए क्या है, फालतू बात कर रहा है, खेत में वीट सीड लगाऊंगा तो वीट उगेगी, यानी गेहूं, फिर उसकी ब्रेड बना के खाना. तू नॉन वेज तो तू खाता नहीं है, इसको माइनक्राफ्ट में फार्मिंग बोलते हैं. अभी तक पिछवाड़े में दर्द हो रहा है यार. सॉरी ग्रास वीट सीड्स क्यों नहीं देती, सिर्फ उसी क्यों देती है, बाकियों के साथ इतना इंसाफी क्यों? क्यों मैं आवाज उठाऊंगा ब्लू? ब्लू ले आया वीट सीड्स. ठीक है अब लगा दे. अब 1-2 दिन रुक जा, ये वीट को बड़े होकर पकने दे. Do you lost your mind, Vidu? My stomach is more empty than vacuum, and you want me to wait for 1 or more days, you madlet? Talking in English and becoming angry on me will not gonna solve the problem. It will take time. और नहीं हो रही सबर, तू नॉन वेज खा ले. Till then I will become skinny as dry wood. लकड़ी की तरह सूख जाएगा मैं. Can't able to move my hands. अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाएगा. Oi, Mom. Don't give me subtitles. मुझे आती है इंग्लिश. Shakespeare को मैंने सिखाई थी. अरे लड़ो मत.
एनिमीज से ज्यादा तो आपस में लड़ रहे हो तुम। तुझे कोई जरूरत नहीं नॉनवेज खाने की, तू ब्रेड ही खाना। मैंने कल बहुत सारे स्केलेटन को मारा जिससे मुझे बहुत सारा बोन मिला, फिर मैंने उसको बोन मील में क्राफ्ट कर लिया। अब ये क्या बोला है? ये एक फर्टिलाइजर होता है जिसको तू इस फसल में डालेगा तो ये तुरंत उग जाएगी, फिर तू उस वीट को उखाड़ के उससे ब्रेड बना के तुरंत खा सकता है। तो मेरा मुंह क्यों तकड़ा है? जल्दी होगा ना, भूख से मर रहा है मैं, इधर नाखून गा के पेट भर रहा हूँ। ले खा ब्रेड, ठूस, जान खा रहा इतनी देर से। जान खाने से पेट नहीं भर आता ना बड़ू। आ हा हा हा, आनंद आ गया। आ हा हा, बस पानी और मिल जाए। उसके लिए बाल्टी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आयरन इंगट चाहिए। उसके लिए आयरन और चाहिए। उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। चल चिंटू माइनिंग करने। अरे मेरे को क्यों ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, मेरे को थोड़ी आता है कुछ। अबे मैं हूँ ना साथ में, डरता क्यों है, डर को मार गोली, लेट्स प्ले होली, मतलब लेट्स डू माइनिंग। यो, जाने से पहले बुढ़े लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, टॉर्च और हथियार बनाने के काम आएंगे। ये तो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क लग रही है। देख मैं जाते वक्त लेफ्ट साइड टॉर्च लगा रहा हूँ, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड टॉर्च है तो अपन गुफा में अंदर की ओर जा रहे हैं, और राइट साइड है तो गुफा से बाहर आ रहे हैं बड़ू, इसलिए लगा रहे हैं ताकि भटके नहीं। एकदम सही, मजा आ गया, ये हुई ना बात। अरे अपनी बात ही अलग है बड़ू। आई एम द बेस्ट, ड्रेस इज द रेस्ट। इतना ओढ़े मत, कहीं से भी ज़ॉम्बी आ जाएंगे तेरे को पेल जाएंगे। अबे कद्दू डर है मेरा, तू है तो सा। आजा ले ले ले, आजा आजा आजा, ले ले, कम विथ मी बेबी, कम विथ मी, आजा फास्ट, कम फास्ट, तू भी आजा। चलो घर को अपग्रेड कर लेता हूँ, ये तो काफी बेसिक लग रहा है। आजा आजा आज आजा। तू क्या कर रहा है? एनिमल फार्म बना रहा हूँ। ठीक है, मैं घर अपग्रेड कर रहा हूँ, और ये दोनों कहाँ मर गए? माइनिंग करने गए। चिंटू वो भी माइनिंग, और वो भी बिना आर्मर पहने, इन्होंने तो यमराज को दावत दे दी। क्या लगता है ये लोग इविलिजार्डी को सक्सेसफुल होने से रोक पाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक तो किसी की कोई फाइट नहीं हुई है, तो अभी जज करना गलत होगा, पर उम्मीद कर सकते हैं। हाँ उम्मीद तो कर ही सकते हैं, पर वो चश्मे वाला तो बिल्कुल ही नौसिखिया लगता है, वो पता नहीं वो कैसे क्या कर पाएगा। हाँ उसका ही डर है, कहीं मर नहीं जाए और मरवा दे बाकियों को। अब वो तो बात की बात है, फिलहाल तो अपन ये पता लगाते हैं कहाँ ठीक होने वाला है। चलो। हाँ चलो। सुन किसी को मारने जाए ना चिंटू, तो सिंपल मारने की बजाय उचक कर खोपड़ी पे मारा कर, ऐसे बहुत डैमेज होता है। बेवकूफ है क्या, किसी को बंदूक चलाना सिखाएगा तो उसको ही उड़ा देगा क्या? ये कोई तरीका हुआ एग्जांपल देने का? मेरे को ही मार रहे ब्रू। हाँ अब मार इसको, ये जो हाथ में स्वॉर्ड है ना इससे मार उसको, डरे मत, उचक के मार। अरे देख तू, अभी मैं इसका भूत बना के मुंह निकालता हूँ। भिजुम भिजुम भिजुम। अरे ये तो कितना क्यूट बच्चे। अरे मेरे तेरे पापा को मार दिया, सॉरी। अरे तू तो मेरे को मार रहा है। अरे अरे रुक, अरे तो आजा आजा, तू भी आजा, ले बाण मारेगा है, ले ले। बहुत सही चिंटू, ऐसे ही लड़ता रहे, एक दिन एंडर ड्रैगन को भी निपटा देगा तू। चल अब आगे आयरन और ढूंढते हैं, आज अपन को आयरन लेके जाना है बहुत सारा, और संभल के थोड़ा। हो गया घर अपग्रेड, अब बढ़िया लग रहा है। हाँ एकदम मस्त मिया भाई, वैसे मैंने तो इससे अच्छे अच्छे भी घर बनाए, ये तो कुछ भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, नमक स्वाद अनुसार, क्राफ्टिंग औकात अनुसार। हाँ तो तू बना लेता ना। जरूरत तीच नहीं है, बस ने थोड़ी आए मिशन पे आए, अपन को इधर उधर भटकना है, जरूरत तीच नहीं है। सब तैयारी हो गई, बेसिक चीजों का इंतजाम हो गया। हाँ अभी जरूरत के हिसाब से तो सब हो गया है, फार्म खड़ा कर दिया है खाने के लिए, बहुत सारी आयरन माइनिंग करी जिससे बहुत आयरन के टूल्स बनाए, स्वॉर्ड पिकेक्स वगैरह, और आर्मर भी क्राफ्ट कर लिया प्रोटेक्शन के लिए। बढ़िया, अब सुनो, देयर आर टू विलेजेस, एक इधर लेफ्ट साइड सेंड बायोम में,
और एक उधर राइट साइड प्लेन बायोम में। किस पे अटैक होने वाला है ये पता नहीं है, बट एक रिडल है जिससे पता लगाया जा सकता है। रिडल है ये, मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है, चिल चिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है, खाने के बाद आई हमारी बारी, रोक लो ये महामारी। अभी तक क्या हुआ था वो ऑब्वियसली आप भूल गए होंगे, इतने दिन बाद जो वीडियो डाल रहा हूँ। तो हुआ ये था कि चिंटू उसके दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट पहली बार खेलने आता है, पर एक नॉर्मल सर्वाइवल मोड की जगह उसके दोस्त एडवेंचर मोड लगा देते हैं जिसमें उन्हें डिफरेंट मिशन मिलते हैं ब्लेजर्स को बचाने के। तो सबसे पहला मिशन होता है ईविल आयरन गोलम्स के अटैक से ब्लेजर्स को बचाना। अब किस विलेज पे अटैक होने वाला है वो पता लगाने के लिए स्टीव और एलेक्स उन्हें एक रिडल देते हैं जो कि होता है, मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है, चिलचिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है, खाने के बाद आएगी हमारी बारी, रोक लो ये महामारी। अब आगे अब कोई मजाक मस्ती नहीं, अब सीरियस हो जाओ। हाँ जल्दी रिडल सॉल्व करो और चलो। मिराज मतलब क्या होता है? अरे भूल गया ससुरा, अभी दिमाग में आया था इतनी जल्दी उतर गया। क्या होता है मिराज का मतलब? चिंटू तू बता दो जल्दी। देखो सबसे पहले अपन डिकोड करोगे मिराज शब्द को, तो ये शब्द बनता है 6 अक्षरों से, थोड़ा ऊपर से देखे तो 2 शब्दों से, मी प्लस राज। तो मिराज का मतलब कोई राज नाम का लड़का जब अपने आप को संबोधित करेगा तो मिराज कहलाएगा। जैसे जब कोई पूछेगा हु इज राज, फिर राज बोलेगा मिराज 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 ब्लू। मेरे शरीर के एक एक अंग को चक्कर आ गई है सुन के। लॉजिक ने 7वें आसमान से कूद के आत्महत्या कर ली। मैं इसको क्यों ले आया माइनक्राफ्ट में, इसको लूडो खिलाओ जाके। मैं मजाक कर रहा था यार, मिराज मतलब होता है इल्यूजन होना कि कोई चीज है पर पास जाके देखो तो नहीं है, जैसे रोड पे तेज धूप में दूर से पानी दिखता है ना पर पास जाके देखो तो कुछ नहीं, या फिर गड्ढे या फिर टट्टी भी हो सकती है। अभी रोड पे कौन हकता है? हकने वाले तो इंटरनेट पे भी हक रहे हैं, और मैं रोड पे इंसान की नहीं जानवर की बात कर रहा था। मैं समझ गया रिडल का मतलब। चलो भाई तैयारी करने, रिसोर्सेस इकट्ठा करने, और फिर वाट लगा देते इविलिस आर्टी के भेजे का इविल आयरन गोलेम्स की। रुक जा उत्तेजित हाथी के बच्चे, बाकी की लाइन भी तो पढ़ ले और समझ ले। मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो सोचने की शक्ति है उसके हिसाब से और जो मेरे ग्रहों की दिशाओं के हिसाब से प्लेन बायोम के ब्लेच पे अटैक होगा। तो चुप रहे, ना धरती का ना चांद का ज्ञान देता है ब्रह्मांड का। इस लाइन का क्या मतलब है, खाने के बाद आएगी हमारी बारी? हो सकता है खाना खाने के टाइम के बाद अटैक होगा, मतलब दिन में 12 बजे के आसपास या फिर शाम के 7 बजे। हाँ यही लग रहा मेरे को भी। यही लग रहा क्या? यही है, फालतू टाइम पास मत करो, चलो माइनिंग करते करते सैंड बायोम चलते हैं ताकि रिसोर्सेज भी इकट्ठा हो जाए और अपन सैंड बायोम भी पहुंच जाए जल्दी। सबसे पहले अपन बहुत सारा आयरन इकट्ठा करके बनाएंगे आयरन ब्लॉक्स, साथ ही अपन को करना होगा 20-30 पंपकिन इकट्ठा या फिर जितना हो सके क्योंकि अभी अपने पास फार्मिंग का टाइम नहीं है, और फिर उसको कार्ब्ड करना होगा। फिर एक आयरन ब्लॉक के ऊपर 3 आयरन ब्लॉक्स रखो और उसके ऊपर कार्ब्ड पंपकिन रखो, फिर आयरन गोलम्स बन जाएगा जो कि इविल आयरन गोलम्स से लड़ने में हमारी मदद करेगा। वैसे तो हमें उनकी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले काफी हूँ इविल आयरन गोलम्स को निपटाने के लिए, बट मदद लेने में क्या जाता है, 4 से भले 40। चलो बढ़िया है मियां भाई, तुम खुद से भी तो कुछ सीख रहे हो आगे। तू देखता जा बस आगे आगे मैं क्या करता हूँ। चलो तुम लोग ये केव में जाकर माइनिंग करो, सारा आयरन ले आओ, और डायमंड्स मिल जाए तो क्या ही कहने, मैं इधर आसपास जाके पंपकिन ढूंढता हूँ और अब सीधे विलेज पे ही मिलूंगा। ठीक है तू जाके पंपकिन ढूंढ, हम तीनों इधर माइनिंग करते हैं। तीनों एक साथ क्यों चल रहे हैं, अलग अलग केव में जाते हैं ना, जल्दी काम होगा। तू अकेला जा पाएगा? कोई शक? हाँ है। तो उसकी पुंगी बनाकर लावा में फेंक दे बड़ू, क्योंकि अब हम वो चिंटू नहीं रही जो क्रीपर को देख के भागा करते थे, अब तो हम क्रीपर को फटाके की तरह हाथ में पोड़ते हैं। क्रीपर से याद आया, माइनिंग करते वक्त तेरे को जरा सी भी क्रीपर की फटने की आवाज आए तो तुरंत शील्ड लगा लेना, मरेगा नहीं। एक तो वो साला कहीं से भी टपक जाता है कौए की पोट की तरह। ठीक है साला, सिर्फ 10 आयरन गोलम बनाने के लिए 360 आयरन इंगट चाहिए, इतना आयरन और खोदते खोदते तो मेरा हाथ लकवा मार जाएगा।
अबे हटना हरी चटनी। ओह 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 वाह 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 डायमंड्स, क्या बात क्या बात क्या बात है। What you know about mining down in the caves? आखिरकार मिल ही गए पम्पकिंस। कितने 10-11-12 लग रहा है। ओह कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मुझे इसको पालना है, मुझे इसको पालना है, पर मेरे पास तो हड्डी नहीं है, क्या करूं? ओ बो रहा है स्केलेटन। बहू बहू मिया बहू मिया बहू। Hey you, Mister. Hey, who are you? And why are you standing in my way? कौन है तू? तू इतना लंबा क्यों है? तेरे को क्या किसी ने बचपन में खींच दिया था? तेरे को क्या दस्त लगे जो ऐसी आवाज निकालता है? और मुंह से आता है क्या जो मुंह से निकाल रहा है? गुस्सा किस पे हो रहा है? किसको आग दिखा रहा है? क्या कर देगा तू मेरा? अरे भागो, अरे भागो भागो, बड़ू बड़ू बड़ू। ये तो टेलीपोर्ट हो सकता है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? अरे यार बाल बाल बच्चा, बड़ू बाल बाल बच्चा, बाल बाल, अब तो रुक साले, अब रुक साले तू। ये दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए कभी अच्छी थी ही नहीं, और ना ये तुम्हारे लिए कभी अच्छी होगी। तो फिर इस दुनिया के लिए अच्छा क्यों बनना? बी द इविल इन द वर्ल्ड, बी द इविल गार्डियन। तुम विलेजर्स के लिए लड़ते हो, उनको बचाते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। जाओ मेरे लिए काम करो, विलेजर्स पे हमला करो, उनको मेरा बत्ती बना के लाओ, जाओ। चलो एक गेम हो जाए। हो जाए ब्रो, मैंने नहीं खेला आज तक माइनक्राफ्ट, मुझे नहीं आता। अबे टेंशन ना ले, हम है ना, कुछ नहीं होगा, सब बता देंगे। हाँ मिया भाई, बहुत मजा आएगा, एक बार चलो तो। ठीक है, तुम्हारे ही भरोसे चल रहा हूँ। अरे यहाँ पे जो डब्बे डब्बे चारों तरफ, ओहो वो सन को देखो, सन को चौकोर आकार का बादल भी, कैसी दुनिया है बिड़ू। यही तो इस माइनक्राफ्ट दुनिया की खासियत है चिंटू, देखता जा बस तो कितना मजा आएगा। दोस्तों आपको भी इस मजे का अनुभव करना है तो अभी सक्कर चाय करो और नोटिफिकेशन दबाओ ताकि ये सीरीज की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। देख चिंटू, कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग है, चुपचाप कान खोल के सुन ले। बिड़ू तो स्क्रू ड्राइवर दे ना ताकि कान के नट खोल सकूं। मिया भाई ये फालतू जोक मारने का समय नहीं है। ये तो जोक भी नहीं था। हाँ हक दिया था मुंह से, कसी है। चिंटू टाइम पास मत कर, अभी रात हो जाएगी। फिर तो रात में परियां आएंगी, परियां। परियों नहीं, परियों के बाप दादा चाचा आएंगे, ज़ोंबी क्रीपर स्पाइडर एंडर ड्रैगन, वो यहाँ नहीं आएगा ढक्कन। पहली बात तो अभी यही नहीं पता इसमें एंडर ड्रैगन है कि भी नहीं, या फिर कोई नए मॉब भी हो सकते हैं। ये रेगुलर सर्वाइवल गेम नहीं है, इसकी स्टोरी अलग है ताकि अपने सब्सक्राइबर को कुछ नया देखने को मिले, इसलिए बोल रहा हूँ रूल्स सुन लो, कान खोल के चुपचाप लगे बकेती पहले। तो बोलने बड़ू, हमने कब रोका है? देखो मिया भाई, इस माइनक्राफ्ट दुनिया में अपन आए खाली हाथ और जाएंगे पता नहीं क्या करके, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कौन कौन से मॉब से अपनी लड़ाई होने वाली है, क्या क्या होगा आगे। जब तेरे को पता ही नहीं खेलते कैसे है तो तू लाया क्यों मुझे? अंडे तोड़ने आते नहीं, ऑमलेट बनाने चले। खेलना आता है मिया भाई मेरे को, एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के बॉस मॉब को मार चुका हूँ, एक से बढ़कर एक चीजें करी अपने वर्ल्ड में। बट अपन जो अब कर रहे हैं इसकी स्टोरी लाइन अलग है, इसमें शायद किसी से अपनी मुलाकात हो सकती है, वो अपन को बताएगा ऐसा करो वैसा करो, या फिर समय के साथ शायद अपन को खुद ऑटोमेटिकली पता पड़ जाए कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। राइट नाउ वी डोंट नो।
अपन को तो बस अपने आप को तैयार करना है बेसिक चीजों से, जैसे घर, आर्मर से, खाना से। सबसे पहले आज अपन को बनाना पड़ेगा घर, क्योंकि रात में आते कुछ चमन जो दिन में सो लेते हैं रात में अपन को मारते हैं, तो उनसे बचने के लिए घर होना जरूरी है। ब्रो तो खरीद लो घर इन गेम पैसों से, बनाने की क्या जरूरत। यार ये GTA 5 नहीं है, इसमें सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, A to Z चीजें, आसपास जो भी मटेरियल है उसको यूज करके, और इसमें ही तो मजा है मेरे मियां भैया। यू कैन बी क्रिएटिव एज फक। यस, मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड देख लेगा तो पागल हो जाएगा। क्या तूने सिर्फ पागल खाने बनाए क्या अपने वर्ल्ड में? एक दूसरे को रोस्ट करो तुम। नहीं नहीं, एक दूसरे को रोस्ट करो, रात हो गई ना तो ज़ॉम्बीज आके फ्राई कर जाएंगे। चलो मटेरियल इकट्ठा करना है, एक बीम भी खड़ा नहीं हुआ अभी तक। चलो बस इतना सा ही था बताने को बड़ू। अरे बहुत कुछ है बताने को, पर अभी नहीं बताऊंगा, रात हो जाएगी, टाइम टू टाइम जरूरत होगी तो बताता रहूंगा। हाँ, और एक और बात, इस स्टोरी मोड में अपन सबके पास बस एक एक ही लाइफ है, कोई रिस्पॉन होने वाला सिस्टम नहीं है। अगर अपन चारों की मिला के टोटल 4 लाइफ खत्म हो जाती है और स्टोरी खत्म नहीं कर पाते, मतलब वो आखिरी एनिमीज नहीं मार पाते, तो फिर एनिमी की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और जिंदगी भर भय रहना पड़ेगा। अपन असली दुनिया में वापिस नहीं जा पाएंगे, इस गेम में ही रह जाएंगे। सो बी केयरफुल मियां भाई, कीप योर सिली जोक्स टू योरसेल्फ। असली दुनिया में तो वापिस जाना है यार, यहाँ पे तो एक भी लड़की नहीं है। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। ये निब्बा ही रहेगा जिंदगी भर, तो चलो घर बनाने। सुन चिंटू, ये पेड़ में से लड़की का लकड़ी का लट्ठा इकट्ठा कर, फिर उसको प्लैंक में कन्वर्ट कर, फिर प्लैंक से स्टिक बना, फिर स्टिक और प्लैंक से हथियार बना, जैसे गेथी, पावड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी, ये सब, फिर उन हथियार से पत्थरों को खोद के इकट्ठा कर, बस इतना कर आज तू। बड़ू तेरे को अगर टॉयलेट लगी है तो तू मुत के आ जा, पर स्लो बोल, ये क्या रायता फैला दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपनी स्टोन एज के दिमाग को अपग्रेड करो मॉडर्न एज में, सिंपल सी बात है, ये है वुड लॉग, इसको तोड़ के इकट्ठा करो, फिर अपनी इन्वेंटरी में जाके इसको प्लैंक में क्राफ्ट करो, फिर उस प्लैंक से वुड स्टिक एंड 3x3 के क्राफ्टिंग टेबल बना लो अपनी इन्वेंटरी में, 2x2 के क्राफ्टिंग टेबल से, बस इतना करो। कुछ समझ तो नहीं आया पर ट्राई करूंगा। बहुत मजदूरी करनी पड़ती है माइनक्राफ्ट में। मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ, लड़कियों का प्यार, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कब हुआ, ये तो होते हो ही नहीं सकता, व्हाट, नहीं दिस इज नॉट, चलो उधर घूम के आता हूँ, इधर बोर हो गया। रात हो गई, बेड तो लगा लो सालो, रात भर जगा के मारोगे क्या? ब्रिटानिया, मैंने तेरे से बुल लाने को बोला था, लाए बुल मियां भाई। हाँ बड़ी मुश्किल से मिले, दूर दूर तक शीप नहीं मिली। चिंटू कहाँ है? हैं, यहाँ नहीं है, कहाँ गया? कहाँ चला गया यार, मरेगा क्या ज़ॉम्बीज के हाथ? एक ही लाइफ है, कॉम्बैट बॉम्बैट करना आता है नहीं, बोल के गया था यही रहना। यार बड़ू, वापिस जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, दिमाग भेरा गया है, कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, एक तो मैप अलग नहीं है इसमें, रात अलग हो गई, क्या करूं? कौन है रे? अरे ये क्या है, कैसी आवाज निकाल रहा है, पेट खराब जैसी, पास क्यों आ रहा है, पास क्यों आ रहा है, दूर जा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर, सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो मार रहा है ब्रू, तेरी तो इतना मारूंगा साले हरे से लाल हो जाएगा। एक मुक्का मारा साले, दोस्तों को बुला लाए, चीटिंग कर पाई तू, और ये ब्रू भागो भागो। अब ये क्या है ब्रू, आगे की लाल टॉर्च लगा दी किसी ने, मकड़ा है ये तो, मेरे प्यार कर से जड़ा चकना, ओए मकड़ा भागो मम्मी, ओए माँ बाढ़ मारने वाली भी है इसमें तो, अरे बचाओ, कहा फंसा दिया इसकी ब्लू, मेरी टट्टी निकल जाएगी, एंड पॉइंट पे आ गई है। अरे अब ये कौन है लुक चुप करता हुआ, ये तो फटके फाड़ रहा है ब्लू। कहाँ मर गया चिंटू? ब्लू हट जा सामने से। बड़ू ये क्या, ये गाल दिया आया, कब तक रोना पड़ेगा, मेरी तो आत्मा निकल गई थी, जिंदगी में इतना तेज आज तक नहीं भागा होऊंगा, साला एक नमूना पिछवाड़े पे बाढ़ मार दिया, जो टट्टी एंड पॉइंट पे आई थी वो वापस अंदर चली गई, एक तो मेरे पास आके फट गए साला, टायर खानदान का था क्या, मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। चुप, कंप्लीट कर, अभी घर वापस नहीं जा सकते।
तुम्हें 50 बार बोले हैं तुम जैसे नवेले लूप से लंटो जैसे प्रो लोगों के साथ रहना चाहिए हैं। अबे यहाँ आसपास रहो, माइनिंग वाइनिंग करो और घर को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे शरीर में बिजली दौड़ रही है, दूर जाएंगे ज़ॉम्बीज से लड़ेंगे। आज की तो बात है, कल तेरे को बकायदा आर्मर और हथियारों से सुसज्जित कर देंगे, हाथ तोड़ देना सालों के। पर क्रीपर के तो हाथ ही नहीं होते। तू सबसे पहले ना इसके मुंह में TNT डाल के ब्लास्ट कर देना, कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच चुकी है इसकी जुबान चल चल के। पता नहीं लोग फैक्चुअल बातों पे इतना ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। फैक्ट और कॉमन सेंस में फर्क होता है। हाथ तोड़ने वाला इसका मतलब ये नहीं हाथ तोड़ दो, बल्कि मतलब सामने वाले को मोक्ष प्राप्ति करा दो, मृत्यु दे दो, और कोई मेरे मुंह में दे दो खाना, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पतला हो जाऊंगा, फिर वापस असली दुनिया में जाऊंगा तो सब हड्डी हड्डी बोलेंगे, कोई लड़की भाव नहीं देगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, फिर मैं कुंवारा रह जाऊंगा, बुढ़ापा और जवानी कैसे कटेगी, फिर भाई 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 तू इतने आगे का मत सोच, ये ले खाना। छी, ये क्या दे रहा है? खाना है और क्या है? खाना नहीं है, किसी का भूत है, वेजिटेरियन लाके तो कुछ। वेज में कुछ नहीं है, अभी यही खाना पड़ेगा फिलहाल तो। मिया भाई मैं नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा वाली। हाँ तो मर जाओ। ऐसा करेगा तू मेरे साथ बड़ू, यही तेरी दोस्ती है? हाँ यही है, जब से देख रहा हूँ नखरे पे नखरे। दुश्मन न करी बड़ों ने वो काम किया है, एक तो मेरी पैलेसी फटी हुई है, दुनिया भर के जल्लाद मेरे पीछे पड़ गए थे, मरते मरते बचा, पहली बार कह रहा हूँ, कुछ पता पता है नहीं, भूख अलग लग रही है और तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। चिंटू तू अपने भाइयों के होते हुए क्यों रो रहा है? हाँ हम है ना, रो क्यों रहा है? ऐसे इमोशनल नहीं होते, और ना मैं करो कल ही तेरे लिए बीट फार्म खड़ा करूंगा, बकायदा तू ब्रेड खाना जो बोलेगा, एप्पल पटेटो सब ला के दूंगा, बस आज रात भूखे गुजार लो, बस आज की बात है। ठीक है चलो सो जाओ, अब लगे बकेती पहले। हाँ दे बकेती बे, दे बकेती, माइनक्राफ्ट चल रहा है, माइनक्राफ्ट कॉमेडी। गुड नाइट फ्रेंड्स, सपने देख लो। एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। कौन है? Who the you the R is the Minecraft में है, San Andreas is the Open the door, we are your friends. Hey, my name is Steve. My name is Alex. My name is Chintu Blue, the greatest person alive on this universe. हमने पूछा? ये दुनिया। Oh, we were just joking. Don't take it seriously, man. First of all, congratulations to all of you guys. You survived first day of Minecraft, which is the first challenge for all the newbies. Thank you very much. Yes, we will. Oh, big fan, Steve भैया, big fan. Alex भैया, बहना जो भी हो, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, big fan. प्यार है आप लोगों का, तभी तो 11 साल बाद भी आज हम टॉप पर हैं। मुझे तो खेलना ही नहीं आता, पहली बार खेल रहा हूँ 10 साल बाद, पर कोई बात नहीं, देखना मैं इन सबसे अच्छा खेलने लगूंगा कुछ दिनों में, हर गेम के साथ मेरा यही फंडा है, 2-3 दिन लगते हैं मुझे बस सीखने में। जाके सपने देखना एक आम समस्या है, इसके लिए भरपूर नींद ले और अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकले, चिंटू की तरह ना बने, उसको लगता है जैसे वो शूटिंग एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम में 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद बोट क्रिप्टा के प्रो बन सकता है, वैसे ही इसमें प्रो बन जाएगा, पर उसको कोई समझाए ये सैंडबॉक्स गेम है, इस पे क्रिएटिविटी की जरूरत है, जिसके लिए दिमाग चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। चलो अब काम की बात कर ले। हाँ जरूर। See, we come here to guide you through the story. हम तुमको टास्क के बारे में बताएंगे और जो पॉसिबल हिंट्स हम पता लगा पाएंगे वो आपको बताएंगे। एविल जार्डी नाम की एक भयानक, खतरनाक, गंदी सोच की एक गंदी मॉब सारे बायोम्स के सारे रिसोर्स पे अपना कब्जा करना चाहती है और सारे मॉब्स को अपना गुलाम बना के सेना बनाना चाहती है। हॉस्टाइल मॉब ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है, बट हॉस्टाइल मॉब्स के नॉट क्राफ्ट नोर दे कैन डू माइनिंग, पर ब्लेजर क्राफ्ट और माइनिंग सब कर सकते है, इसलिए इसका आखिरी मकसद है ब्लेजर और ट्रेडर को अपने नौकर बनाना और उनसे सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना और करवाना। You have to stop her from doing all these things. You guys are the chosen one. तुम्हें choose लिया गया, sorry choose कर लिया गया है। तुम ही नहीं है, तुम ही किनारे। बचालो, पिछवाड़े सोचने वाली है हमारे।
उसके पास अभी इन्फ्लुएंसिंग के अलावा कोई पावर नहीं है, पर जैसे जैसे उसको रिसोर्स मिलते जाएंगे वो पावरफुल बनती जाएगी। पर वो ब्लेजर्स, ट्रेडर, कुछ एनिमल्स और अपन सबको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अपन सबको छोड़ के सबको इन्फ्लुएंस कर सकती है कुछ भी करवाने के लिए। उसने सबसे पहले ब्लेजर्स के दोस्तों को ही दुश्मन बनाया है, आयरन गोलेम को अपने बस में करके ब्लेजर्स पे अटैक करवाया है। तुम्हारा पहला मिशन काउंटर आयरन गोलेम क्राफ्ट करके ब्लेजर्स को इविलिजार्टी की तरफ से भेजी गई आयरन गोलेम की गिरफ्त से बचाना है। वैसे बड़ो अपन को एक बात पूछनी थी। पूछो, क्या पूछना है? तुम लोगों की नाक में तो छेद है ही नहीं, सांस कैसे ले रहे हो? कभी आईने के सामने जाके ये सवाल अपने आप से भी करना। तो अभी हम चलते हैं, चलो बाय। तुसी जा रहे हो? तुसी मत जाओ। अरे 2 दिन बाद फिर आएंगे बताने कब और कहां अटैक होने वाला है, तब तक तुम अपने आप को तैयार करो, उसमें टाइम लगेगा। लड़की थोड़ी है जो टाइम लगेगा, मुंह हाथ धोए हो गए तैयार। शादी में आया है तू? हैं, शादी में आया है तू? अरे तैयार का मतलब रिसोर्सेस इकट्ठा करो, आर्मर क्राफ्ट करो, खाने पीने का इंतजाम करो और हथियार बनाओ। चलो 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 चलो, हिलो ढिलो कोई तो चलो। चलो मैं ही चल लेता हूँ। चिंटू ये घास दिख रही है? हाँ खाली, बहुत भूख लग रही थी। अबे बकरे की औलाद, इसको तोड़, इनमें से तुझे कुछ वीट सीड्स देंगी, वो मुझे लाके दे, तब तक मैं खेत बनाता हूँ। ओके बड़ू, वैसे खेत क्यों बना रहा है, उसके साइड में हगेगा तू क्या? नहीं, उसके लिए तेरा मुँह काफी है। ए क्या है, फालतू बात कर रहा है, खेत में वीट सीड लगाऊंगा तो वीट उगेगी यानी गेहूं, फिर उसकी ब्रेड बना के खाना। तू नॉन वेज तो तू खाता नहीं है, इसको माइनक्राफ्ट में फार्मिंग बोलते हैं। अभी तक पिछवाड़े में दर्द हो रहा है यार। सॉरी ग्रास वीट सीड्स क्यों नहीं देती, सिर्फ उसी क्यों देती है, बाकियों के साथ इतना इंसाफी क्यों? क्यों मैं आवाज उठाऊंगा ब्लू? ब्लू ले आया वीट सीड्स। ठीक है अब लगा दे। अब 1-2 दिन रुक जा, ये वीट को बड़े होकर पकने दे। Do you lost your mind, Vudu? My stomach is more empty than vacuum, and you want me to wait for 1 or more days, you madlet? Talking in English and becoming angry on me will not gonna solve the problem. It will take time. और नहीं हो रही सबर, तू नॉन वेज खा ले। Till then I will become skinny as dry wood. लकड़ी की तरह सूख जाएगा मैं। Can't able to move my hands. अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाएगा। Don't give me subtitles. मुझे आती है English. Shakespeare को मैंने सिखाई थी। अरे लड़ो मत। एनिमीज से ज्यादा तो आपस में लड़ रहे हो तुम। तुझे कोई जरूरत नहीं नॉनवेज खाने की, तू ब्रेड ही खाना। मैंने कल बहुत सारे स्केलेटन को मारा जिससे मुझे बहुत सारा बोन मिला, फिर मैंने उसको बोन मील में क्राफ्ट कर लिया। अब ये क्या बोला है? ये एक फर्टिलाइजर होता है जिसको तू इस फसल में डालेगा तो ये तुरंत उग जाएगी, फिर तू उस वीट को उखाड़ के उससे ब्रेड बना के तुरंत खा सकता है। तो मेरा मुंह क्यों तकड़ा है, जल्दी होगा ना? भूख से मर रहा है मैं, इधर नाखून गा के पेट भर रहा हूँ। खा ब्रेड, ठूस, जान खा रहा इतनी देर से। जान खाने से पेट नहीं भर आता ना ब्लू। आहा हा, आनंद आ गया। आहा, बस पानी और मिल जाए। उसके लिए बाल्टी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आयरन इंगट चाहिए, उसके लिए आयरन और चाहिए, उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। चल चिंटू माइनिंग करने। अरे मेरे को क्यों ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, मेरे को थोड़ी आता है कुछ। अबे मैं हूँ ना साथ में, डरता क्यों है, डर को मार गोली, लेट्स प्ले होली, मतलब लेट्स डू माइनिंग। यो जाने से पहले बुढ़े लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, टॉर्च और हथियार बनाने के काम आएंगे। ये तो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क लग रही है। देख मैं जाते वक्त लेफ्ट साइड टॉर्च लगा रहा हूँ, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड टॉर्च है तो अपन गुफा में अंदर की ओर जा रहे हैं, और राइट साइड है तो गुफा से बाहर आ रहे हैं ब्रो, इसलिए लगा रहे हैं ताकि भटके नहीं। एकदम सही, मजा आ गया, ये हुई ना बात। अरे अपनी बात ही अलग है ब्रो, आई एम द बेस्ट, स्ट्रेस इज द रेस्ट। इतना ओढ़े मत, कहीं से भी ज़ॉम्बी सजाएंगे तेरे को पेल जाएंगे। अबे कद्दू डरे मेरा, तू है तो सा।
आजा ले 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 आजा 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 ले ले कम विथ मी बेबी कम विथ मी आजा फास्ट कम फास्ट तू भी आजा आ चलो घर को अपग्रेड कर लेता हूँ ये तो काफी बेसिक लग रहा है आजा 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 तू क्या कर रहा है एनिमल फार्म बना रहा हूँ ठीक है मैं घर अपग्रेड कर रहा हूँ और ये दोनों कहाँ मर गए माइनिंग करने गए चिंटू वो भी माइनिंग और वो भी बिना आर्मर पहने इन्होंने तो यमराज को दावत दे दी क्या लगता है ये लोग इविलिजार्डी को सक्सेसफुल होने से रोक पाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक तो किसी की कोई फाइट नहीं हुई है तो अभी जज करना गलत होगा पर उम्मीद कर सकते हैं हाँ उम्मीद तो कर ही सकते हैं पर वो चश्मे वाला तो बिल्कुल ही नौसिखिए लगता है वो पता नहीं वो कैसे क्या कर पाएगा हाँ उसका ही डर है कहीं मर नहीं जाए और मरवा दे बाकियों को अब वो तो बात की बात है फिलहाल तो अपन ये पता लगाते हैं कहाँ ठीक होने वाला है चलो हाँ चलो सुन किसी को मारने जाए ना चिंटू तो सिंपल मारने की बजाय उछक्कर खोपड़ी पे मारा कर ऐसे बहुत डैमेज होता है बेवकूफ है क्या किसी को बंदूक चलाना सिखाएगा तो उसको ही उड़ा देगा क्या ये कोई तरीका हुआ एग्जांपल देने का मेरे को ही मार रहा है हाँ अब मार इसको ये जो हाथ में स्वॉर्ड है ना इससे मार उसको डरे मत उचक के मार अरे देख तू अभी मैं इसका भूत बना के मुंह निकालता हूँ भिजुम 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 अरे ये तो कितना क्यूट बच्चे अरे मेरे तेरे पापा को मार दिया सॉरी अरे तू तो मेरे को मार रहा है अरे अरे रुक अरे तो आजा आजा तू भी आजा ले बाण मारेगा है ले ले बहुत सही चिंटू ऐसे ही लड़ता रहे एक दिन एंडर ड्रैगन को भी निपटा देगा तू चल अब आगे आयरन ओर ढूंढते हैं आज अपन को आयरन लेके जाना है बहुत सारा और संभल के थोड़ा हो गया घर अपग्रेड अब बढ़िया लग रहा है हाँ एकदम मस्त मिया भाई वैसे मैंने तो इससे अच्छे अच्छे भी घर बनाए ये तो कुछ भी नहीं है बट कोई बात नहीं नमक स्वाद अनुसार क्राफ्टिंग औकात अनुसार हाँ तो तू बना लेता ना जरूरत तीच नहीं है बस ने थोड़ी आए मिशन पे आए अपन को इधर उधर भटकना है जरूरत तीच नहीं है सब तैयारी हो गई बेसिक चीजों का इंतजाम हो गया हाँ अभी जरूरत के हिसाब से तो सब हो गया है फार्म खड़ा कर दिया है खाने के लिए बहुत सारी आयरन माइनिंग करी जिससे बहुत आयरन के टूल्स बनाए स्वॉर्ड पिकेक्स वगैरह और आर्मर भी क्राफ्ट कर लिया प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया अब सुनो देयर आर टू ब्लेजेस एक इधर लेफ्ट साइड सेंड बायोम में और एक उधर राइट साइड प्लेन बायोम में किस पे अटैक होने वाला है ये पता नहीं है बट एक रिडल है जिससे पता लगाया जा सकता है रिडल है ये मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है चिल चिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है खाने के बाद आई हमारी बारी रोक लो ये महामारी अभी तक क्या हुआ था वो ऑब्वियसली आप भूल गए होंगे इतने दिन बाद जो वीडियो डाल रहा हूँ तो हुआ ये था कि चिंटू उसके दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट पहली बार खेलने आता है पर एक नॉर्मल सर्वाइवल मोड की जगह उसके दोस्त एडवेंचर मोड लगा देते हैं जिसमें उन्हें डिफरेंट मिशन मिलते हैं ब्लेजर्स को बचाने के तो सबसे पहला मिशन होता है ईविल आयरन गोलम्स के अटैक से ब्लेजर्स को बचाना अब किस विलेज पे अटैक होने वाला है वो पता लगाने के लिए स्टीव और एलेक्स उन्हें एक रिडल देते हैं जो कि होता है मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है चिलचिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है खाने के बाद आएगी हमारी बारी रोक लो ये महामारी अब आगे अब कोई मजाक मस्ती नहीं अब सीरियस हो जाओ हाँ जल्दी रिडल सॉल्व करो और चलो मिराज मतलब क्या होता है अरे भूल गया ससुरा अभी दिमाग में आया था इतनी जल्दी उतर गया क्या होता है मिराज का मतलब चिंटू तू बता दो जल्दी देखो सबसे पहले अपन डिकोड करोगे मिराज शब्द को तो ये शब्द बनता है 6 अक्षरों से थोड़ा ऊपर से देखे तो 2 शब्दों से मी प्लस राज तो मिराज का मतलब कोई राज नाम का लड़का जब अपने आप को संबोधित करेगा तो मिराज कहलाएगा जैसे जब कोई पूछेगा
पूछेगा हु इज राज, फिर राज बोलेगा मी राज मी राज मी राज ब्लू। मेरे शरीर के एक एक अंग को चक्कर आ गई है सुन के। लॉजिक ने सातवें आसमान से कूद के आत्महत्या कर ली। मैं इसको क्यों ले आया माइनक्राफ्ट में, इसको लूडो खिलाओ जाके। मैं मजाक कर रहा था यार, मिराज मतलब होता है इल्यूजन होना कि कोई चीज है पर पास जाके देखो तो नहीं है। जैसे रोड पे तेज धूप में दूर से पानी दिखता है ना, पर पास जाके देखो तो कुछ नहीं, या फिर गड्ढे या फिर टट्टी भी हो सकती है। अभी रोड पे कौन हकता है? हकने वाले तो इंटरनेट पे भी हक रहे हैं, और मैं रोड पे इंसान की नहीं जानवर की बात कर रहा था। मैं समझ गया रिडल का मतलब। चलो भाई तैयारी करने, रिसोर्सेस इकट्ठा करने, और फिर वाट लगा देते इविलिस आर्टी के भेजे का इविल आयरन गोलेम्स की। रुक जा उत्तेजित हाथी के बच्चे, बाकी की लाइन भी तो पढ़ ले और समझ ले। मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो सोचने की शक्ति है उसके हिसाब से, और जो मेरे ग्रहों की दिशाओं के हिसाब से प्लेन बायोम के ब्लीच पे अटैक होगा। तो चुप रहे, न धरती का न चांद का ज्ञान देता है ब्रह्मांड का। इस लाइन का क्या मतलब है, खाने के बाद आएगी हमारी बारी? हो सकता है खाना खाने के टाइम के बाद अटैक होगा, मतलब दिन में 12 बजे के आसपास या फिर शाम के 7 बजे। हाँ यही लग रहा मेरे को भी। यही लग रहा क्या, यही है। फालतू टाइम पास मत करो, चलो माइनिंग करते करते सैंड बायोम चलते हैं, ताकि रिसोर्सेज भी इकट्ठा हो जाए और अपन सैंड बायोम में पहुंच जाए जल्दी। सबसे पहले अपन बहुत सारा आयरन इकट्ठा करके बनाएंगे आयरन ब्लॉक्स, साथ ही अपन को करना होगा 20-30 पंपकिन इकट्ठा या फिर जितना हो सके, क्योंकि अभी अपने पास फार्मिंग का टाइम नहीं है, और फिर उसको कार्ब्ड करना होगा। फिर एक आयरन ब्लॉक के ऊपर 3 आयरन ब्लॉक्स रखो और उसके ऊपर कार्ब्ड पंपकिन रखो, फिर आयरन गोलम्स बन जाएगा जो कि इविल आयरन गोलम्स से लड़ने में हमारी मदद करेगा। वैसे तो हमें उनकी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले काफी हूँ इविल आयरन गोलम्स को निपटाने के लिए, बट मदद लेने में क्या जाता है, 4 से भले 40। चलो बढ़िया है मियां भाई, तुम खुद से भी तो कुछ सीख रहे हो आगे। तू देखता जा बस आगे आगे मैं क्या करता हूँ। चलो तुम लोग ये केव में जाकर माइनिंग करो, सारा आयरन ले आओ, डायमंड्स मिल जाए तो क्या ही कहने। मैं इधर आसपास जाके पंपकिन ढूंढता हूँ, और अब सीधे विलेज पे ही मिलूंगा। ठीक है तू जाके पंपकिन ढूंढ, हम तीनों इधर माइनिंग करते हैं। तीनों एक साथ क्यों चल रहे हैं, अलग अलग केव में जाते हैं ना, जल्दी काम होगा। तू अकेला जा पाएगा? कोई शक? हाँ है। तो उसकी पुंगी बनाकर लावा में फेंक दे बड़ू, क्योंकि अब हम वो चिंटू नहीं रही जो क्रीपर को देख के भागा करते थे, अब तो हम क्रीपर को फटाके की तरह हाथ में पोड़ते हैं। क्रीपर से याद आया, माइनिंग करते वक्त तेरे को जरा सी भी क्रीपर की फटने की आवाज आए तो तुरंत शील्ड लगा लेना, मरेगा नहीं। एक तो वो साला कहीं से भी टपक जाता है कौए की पोट की तरह। ठीक है साला, सिर्फ 10 आयरन गोलम बनाने के लिए 360 आयरन इंगट चाहिए, इतना आयरन और खोदते खोदते तो मेरा हाथ लकवा मार जाएगा। अबे हटना हरी चटनी। ओह 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 वाह वाह वाह, डायमंड्स, क्या बात क्या बात क्या बात है। व्हाट यू नो अबाउट माइनिंग डाउन इन द केव्स? आखिरकार मिली गए पंपकिन्स, कितने 10-11-12 लग रहे। ओ कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मुझे इसको पालना है, मुझे इसको पालना है, पर मेरे पास तो हड्डी नहीं है, क्या करूं? ओ बो रहा है स्केलेटन। बहू बहू मिया बहू मिया बहू। Hey you, Mister. Hey, who are you? And why are you standing in my way? कौन है तू? तू इतना लंबा क्यों है? तेरे को क्या किसी ने बचपन में खींच दिया था? तेरे को क्या दस्त लगे जो ऐसी आवाज निकालता है? और मुंह से हकता है क्या जो मुंह से निकाल रहा है? गुस्सा किस पे हो रहा है? किसको आग दिखा रहा है? क्या कर देगा तू मेरा? अरे भागो, अरे भागो भागो, बड़ू बड़ू बड़ू। ये तो टेलीपोर्ट हो सकता है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? अरे यार बाल बाल बच्चा बड़ू, बाल बाल बच्चा, बाल बाल, अब तो रुक साले, अब रुक साले तू। ये दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है,
ये दुनिया तुम्हारे लिए कभी अच्छी थी ही नहीं और ना ये तुम्हारे लिए कभी अच्छी होगी। तो फिर इस दुनिया के लिए अच्छा क्यों बनना? Be the evil in the world, be the Iblisardian। तुम विलेजर्स के लिए लड़ते हो, उनको बचाते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। जाओ मेरे लिए काम करो, विलेजर्स पे हमला करो, उनको मेरा बत्ती बना के लाओ, जाओ। चलो एक गेम हो जाए। हो जाए। ब्रो मैंने नहीं खेला आज तक माइनक्राफ्ट, मुझे नहीं आता। अबे टेंशन ना ले, हम है ना, कुछ नहीं होगा, सब बता देंगे। हाँ मियाँ भाई बहुत मजा आएगा, एक बार चलो तो। ठीक है तुम्हारे ही भरोसे चल रहा हूँ। अरे यहाँ पे जो डब्बे डब्बे चारों तरफ, ओहो वो सन को देखो, सन को चौकोर आकार का बादल भी, कैसी दुनिया है बिड़ू। यही तो इस माइनक्राफ्ट दुनिया की खासियत है चिंटू, देखता जा बस तो कितना मजा आएगा। दोस्तों आपको भी इस मजे का अनुभव करना है तो अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब सक्कर चाय करो और नोटिफिकेशन दबाओ ताकि ये सीरीज की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। देख चिंटू कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग है, चुपचाप कान खोल के सुन ले। बिड़ू तो स्क्रू ड्राइवर दे ना ताकि कान के नट खोल सकूं। मियां भाई ये फालतू जोक मारने का समय नहीं है। ये तो जोक भी नहीं था। हाँ हक दिया था मुंह से। कसी है चिंटू, टाइम पास मत कर, अभी रात हो जाएगी। फिर तो रात में परियां आएंगी, परियां। परियों नहीं, परियों के बाप दादा चाचा आएंगे, ज़ोंबी क्रीपर स्पाइडर एंडर ड्रैगन, वो यहाँ नहीं आएगा ढक्कन। पहली बात तो अभी यही नहीं पता इसमें एंडर ड्रैगन है कि भी नहीं, या फिर कोई नए नए मॉब भी हो सकते हैं। ये रेगुलर सर्वाइवल गेम नहीं है, इसकी स्टोरी अलग है ताकि अपने सब्सक्राइबर को कुछ नए देखने को मिले, इसलिए बोल रहा हूँ रूल्स सुन लो, कान खोल कर चुपचाप लगे बकेती पहले। तो बोलने बड़ू हमने कब रोका है? देखो मियाँ भाई इस माइनक्राफ्ट दुनिया में अपन आए खाली हाथ और जाएंगे पता नहीं क्या करके, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कौन कौन से मॉब से अपनी लड़ाई होने वाली है, क्या क्या होगा आगे। जब तेरे को पता ही नहीं खेलते कैसे तो तू लाया क्यों मुझे? अंडे तोड़ने आते नहीं, ऑमलेट बनानी चली। खेलना आता है मियाँ भाई मेरे को, एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के बॉस मॉब को मार चुका हूँ, एक से बढ़कर एक चीजें करी अपने वर्ल्ड में। बट अपन जो अब कर रहे हैं इसकी स्टोरी लाइन अलग है, इसमें शायद किसी से अपनी मुलाकात हो सकती है, वो अपन को बताएगा ऐसा करो वैसा करो, या फिर समय के साथ शायद अपन को खुद ऑटोमेटिकली पता पड़ जाए कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। राइट नाउ वी डोंट नो, अपन को तो बस अपने आप को तैयार करना है बेसिक चीजों से, जैसे घर आर्मर से खाना से। सबसे पहले आज अपन को बनाना पड़ेगा घर, क्योंकि रात में आते कुछ चमन जो दिन में सो लेते हैं रात में अपन को मारते हैं, तो उनसे बचने के लिए घर होना जरूरी है। ब्रो तो खरीद लो घर इन गेम पैसों से, बनाने की क्या जरूरत यार, ये GTA 5 नहीं है, इसमें सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, A to Z चीजें आसपास जो भी मटेरियल है उसको यूज करके, और इसमें ही तो मजा है मेरे मियां भैया। यू कैन बी क्रिएटिव एज फक। यस मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड देख लेगा तो पागल हो जाएगा। क्या तूने सिर्फ पागल खाने बनाए क्या अपने वर्ल्ड में? एक दूसरे को रोस्ट करो तुम, नहीं एक दूसरे को रोस्ट करो, रात हो गई ना तो ज़ॉम्बीज आके फ्राई कर जाएंगे। चलो मटेरियल इकट्ठा करना है, एक बीम भी खड़ा नहीं हुआ अभी तक, चलो। बस इतना सा ही था बताने को बड़ू? अरे बहुत कुछ है बताने को, पर अभी नहीं बताऊंगा, रात हो जाएगी, टाइम टू टाइम जरूरत होगी तो बता करूंगा। हाँ और एक और बात, इस स्टोरी मोड में अपन सबके पास बस एक एक ही लाइफ है, कोई रिस्पॉन होने वाला सिस्टम नहीं है। अगर अपन चारों की मिला के टोटल 4 लाइफ खत्म हो जाती है और स्टोरी खत्म नहीं कर पाते, मतलब वो आखिरी एनिमीज नहीं मार पाते, तो फिर एनिमी की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और जिंदगी भर भय रहना पड़ेगा, अपन असली दुनिया में वापिस नहीं जा पाएंगे, इस गेम में ही रह जाएंगे। सो बी केयरफुल मियाँ भाई, कीप योर सिली जोक्स टू योरसेल्फ। असली दुनिया में तो वापिस जाना है यार, यहाँ पे तो एक भी लड़की नहीं है। सॉरी डार्लिंग, ये निब्बा ही रहेगा जिंदगी भर। तो चलो घर बनाने। सुन चिंटू ये पेड़ में से लड़की का
लकड़ी का लट्ठा इकट्ठा कर, फिर उसको प्लैंक में कन्वर्ट कर, फिर प्लैंक से स्टिक बना, फिर स्टिक और प्लैंक से हथियार बना, जैसे गेथी, पावड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी, ये सब, फिर उन हथियार से पत्थरों को खोद के इकट्ठा कर, बस इतना का रास्ता तू। बड़ू तेरे को अगर टॉयलेट लगी है तो तू मुत के आ जा, पर स्लो बोल, ये क्या रायता फैला दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपने स्टोन एज के दिमाग को अपग्रेड करो मॉडर्न एज में, सिंपल सी बात है, ये है वुड लॉग, इसको तोड़ के इकट्ठा करो, फिर अपनी इन्वेंटरी में जाके इसको प्लैंक में क्राफ्ट करो, फिर उस प्लैंक से वुड स्टिक एंड 3x3 के क्राफ्टिंग टेबल बना लो अपनी इन्वेंटरी में, 2x2 के क्राफ्टिंग टेबल से, बस इतना करो। कुछ समझ तो नहीं आया पर ट्राई करूंगा। बहुत मजदूरी करनी पड़ती है माइनक्राफ्ट में। मैं एक लकड़हारा हूँ, लड़कियों का प्यार, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कब हुआ, ये तो होते हो ही नहीं सकता, व्हाट, नहीं, दिस इज नॉट, चलो उधर घूम के आता हूँ, इधर बोर हो गया। रात हो गई, बेड तो लगा लो सालो, रात भर जगा के मारोगे क्या? ब्रिटानिया, मैंने तेरे से बुल लाने को बोला था, लाए बुल मिया भाई। हाँ, बड़ी मुश्किल से मिले, दूर दूर तक शीप नहीं मिली। चिंटू कहाँ है? हैं? यहाँ नहीं है, कहाँ गया? कहाँ चला गया यार, मरेगा क्या, ज़ॉम्बीज़ के हाथ एक ही लाइफ है, कॉम्बैट बॉम्बैट करना आता है नहीं, बोल के गया था यही रहना। यार बड़ू, वापिस जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, दिमाग भेरा गया है, कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, एक तो मैप अलग नहीं है इसमें, रात अलग हो गई, क्या करूं? कौन है रे? अरे ये क्या है, कैसी आवाज निकाल रहा है, पेट खराब जैसी, पास क्यों आ रहा है, पास क्यों आ रहा है, दूर जा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो मार रहा है ब्रू, तेरी तो इतना मारूंगा साले हरे से लाल हो जाएगा। एक मुक्का मारा साले, दोस्तों को बुला लाए, चीटिंग कर पाई तू, और ये ब्रू भागो। अब ये क्या है ब्रू, आग की लाल टॉर्च लगा दी किसी ने, मकड़ा है ये तो, मेरे प्यार कर से जड़ चकना, ओए मकड़ा भागो मम्मी, ओए माँ, बाढ़ मारने वाली भी है इसमें तो, अरे बचाओ, कहा फंसा दिया इसकी ब्लू, मेरी टट्टी निकल जाएगी, एंड पॉइंट पे आ गई है। अरे अब ये कौन है लुप चुप करता हुआ, ये तो फट के फाड़ रहा है ब्लू, कहाँ मर गया चिंटू? ब्लू हट जा सामने से। बड़ू ये क्या, ये गाल दिया आया, कब तक रोना पड़ेगा, मेरी तो आत्मा निकल गई थी, जिंदगी में इतना तेज आज तक नहीं भागा होऊंगा, साला एक नमूना पिछवाड़े पे बाढ़ मार दिया, जो टट्टी एंड पॉइंट पे आई थी वो वापस अंदर चली गई, एक तो मेरे पास आके फट गए साला, टायर खानदान का था क्या, मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। चुप, कंप्लीट कर, अभी घर वापस नहीं जा सकते। तुम्हें 50 बार बोले हैं, तुम जैसे नवेले लूप से लटक, तुम जैसे प्रो लोगों के साथ रहना चाहिए हैं, अबे यहाँ आसपास रहो, माइनिंग वाइनिंग करो और घर को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे शरीर में बिजली दौड़ रही है, दूर जाएंगे ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे। आज की तो बात है, कल तेरे को बकायदा आर्मर और हथियारों से सुसज्जित कर देंगे, हाथ तोड़ देना सालों के, पर क्रीपर के तो हाथ ही नहीं होते, तू सबसे पहले ना इसके मुंह में TNT डाल के ब्लास्ट कर देना, कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच चुकी है इसकी जुबान चल चल के। पता नहीं लोग फैक्चुअल बातों पे इतना ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। फैक्ट और कॉमन सेंस में फर्क होता है, हाथ तोड़ने वाला इसका मतलब ये नहीं हाथ तोड़ दो, बल्कि मतलब सामने वाले को मोक्ष प्राप्ति करा दो, मृत्यु दे दो, और कोई मेरे मुंह में दे दो खाना, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पतला हो जाऊंगा, फिर वापस असली दुनिया में जाऊंगा तो सब हड्डी हड्डी बोलेंगे, कोई लड़की भाव नहीं देगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, फिर मैं कुंवारा रह जाऊंगा, बुढ़ापा और जवानी कैसे कटेगी, फिर भाई 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 भाई, तू इतने आगे का मत सोच, ये ले खाना, ले खाना। छी, ये क्या दे रहा है? खाना है और क्या है? खाना नहीं है, किसी का भूत है, वेजिटेरियन लाके तो कुछ, वेज में कुछ नहीं है, अभी यही खाना पड़ेगा फिलहाल तो। मिया भाई, मैं नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा वाली। हाँ तो मर जाओ, ऐसा करेगा तू मेरे साथ ब्रू, यही तेरी दोस्ती है? हाँ यही है, जब से देख रहा हूँ नखरे पे नखरे, दुश्मन न करी बड़ों ने वो काम किया है, एक तो मेरी प्याले से फटी हुई है, दुनिया भर के जल्लाद मेरे पीछे पड़ गए थे, मरते मरते बचा, पहली बार खेल रहा हूँ, कुछ पता पता है नहीं, भूख अलग लग रही है, और तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। चिंटू, तू अपने भाइयों के होते हुए क्यों रो रहा है? हाँ हमें है ना, रो क्यों रहा है?
हमें हो ऐसे इमोशनल नहीं होते और ना हमें करो, कल ही तेरे लिए बीट फार्म खड़ा करूंगा, बकाया से तू ब्रेड खाना जो बोलेगा, एप्पल पटेटो सब ला के दूंगा, बस आज रात भूखे गुजार लो, बस आज की बात है। ठीक है चलो सो जाओ अब, लगे बकेती पहले। हाँ दे बकेती बे, दे बकेती, माइनक्राफ्ट चल रहा है, माइनक्राफ्ट कॉमेडी। गुड नाइट फ्रेंड्स, सपने देख लो। एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। कौन है? Who the you the R is the Minecraft में है, San Andreas is the Open the door, we are your friends. Hey, my name is Steve. My name is Alex. My name is Chintu Blue, the greatest person alive on this universe. हमने पूछा? ये दुनिया। Oh, we were just joking. Don't take it seriously, man. First of all, congratulations to all of you guys. You survived first day of Minecraft, which is the first challenge for all the newbies. Thank you very much. Yes, we will. Oh, big fan, Steve भैया, big fan. Alex भैया, बहना जो भी हो, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, big fan. प्यार है आप लोगों का, तभी तो 11 साल बाद भी आज हम टॉप पर हैं। मुझे तो खेलना ही नहीं आता, पहली बार खेल रहा हूँ 10 साल बाद, पर कोई बात नहीं, देखना मैं इन सबसे अच्छा खेलने लगूंगा कुछ दिनों में, हर गेम के साथ मेरा यही फंडा है, 2-3 दिन लगते हैं मुझे बस सीखने में। जाके सपने देखना एक आम समस्या है, इसके लिए भरपूर नींद ले और अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकले, चिंटू की तरह ना बने, उसको लगता है जैसे वो शूटिंग एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम में 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद बोट को निपटा के प्रो बन सकता है, वैसे ही इसमें प्रो बन जाएगा, पर उसको कोई समझाए ये सैंडबॉक्स गेम है, इस पे क्रिएटिविटी की जरूरत है, जिसके लिए दिमाग चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। चलो अब काम की बात कर ले। हाँ जरूर। See, we come here to guide you through the story. हम तुमको टास्क के बारे में बताएंगे और जो पॉसिबल हिंट्स हम पता लगा पाएंगे वो आपको बताएंगे। एविल जार्डी नाम की एक भयानक, खतरनाक, गंदी सोच की एक गंदी मॉब सारे बायोम्स के सारे रिसोर्स पे अपना कब्जा करना चाहती है और सारे मॉब्स को अपना गुलाम बना के सेना बनाना चाहती है। हॉस्टाइल मॉब ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है, बट हॉस्टाइल मॉब्स के नॉट क्राफ्ट नोर दे कैन डू माइनिंग, पर ब्लेजर क्राफ्ट और माइनिंग सब कर सकते है, इसलिए इसका आखिरी मकसद है ब्लेजर और ट्रेडर को अपने नौकर बनाना और उनसे सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना और करवाना। You have to stop her from doing all these things. You guys are the chosen man. तुम्हें चूस लिया गया, सॉरी चूस कर लिया गया है। तुम ही नहीं है, तुम ही किनारे बचा लो, पिछवाड़े सोचने वाले हैं हमारे। उसके पास अभी इन्फ्लुएंसिंग के अलावा कोई पावर नहीं है, पर जैसे जैसे उसको रिसोर्स मिलते जाएंगे वो पावरफुल बनती जाएगी। पर वो ब्लेजर्स, ट्रेडर, कुछ एनिमल्स और अपन सबको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, अपन सबको छोड़ के सबको इन्फ्लुएंस कर सकती है कुछ भी करवाने के लिए। उसने सबसे पहले ब्लेजर्स के दोस्तों को ही दुश्मन बनाया है, आयरन गोलेम को अपने बस में करके ब्लेजर्स पे अटैक करवाया है। तुम्हारा पहला मिशन काउंटर आयरन गोलेम क्राफ्ट करके ब्लेजर्स को इविल इजार्डी की तरफ से भेजी गई आयरन गोलेम की गिरफ्त से बचाना है। वैसे बड़ो अपन को एक बात पूछनी थी। पूछो, क्या पूछना है? तुम लोगों की नाक में तो छेद है ही नहीं, सांस कैसे ले रहे हो? कभी आईने के सामने जाके ये सवाल अपने आप से भी करना। तो अभी हम चलते हैं, चलो बाय। तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। अरे 2 दिन बाद फिर आएंगे बताने कब और कहां अटैक होने वाला है, तब तक तुम अपने आप को तैयार करो, उसमें टाइम लगेगा। लड़की थोड़ी है जो टाइम लगेगा, मुंह हाथ धोए हो गए तैयार। शादी में आया है तू? हैं, शादी में आया है तू? अरे तैयार का मतलब रिसोर्सेस इकट्ठा करो, आर्मर क्राफ्ट करो, खाने पीने का इंतजाम करो और हथियार बनाओ। चलो 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 चलो, हिलो ढिलो, कोई तो चलो। चलो मैं ही चल लेता हूँ। चिंटू ये घास दिख रही है? हाँ खाली, बहुत भूख लग रही थी। अबे बकरी की औलाद, इसको तोड़, इनमें से तुझे कुछ वीट सीड्स देंगी, वो मुझे लाके दे, तब तक मैं खेत बनाता हूँ। ओके ब्लू, वैसे खेत क्यों बना रहा है, उसके साइड में हगेगा तू क्या? नहीं, उसके लिए तेरा मुँह काफी है। ए क्या है,
फालतू बात कर रहा है, खेत में वीट सीड लगाऊंगा तो वीट उगेगी यानी गेहूं, फिर उसकी ब्रेड बना के खाना तू, नॉन वेज तो तू खाता नहीं है, इसको माइनक्राफ्ट में फार्मिंग बोलते हैं। अभी तक पिछवाड़े में दर्द हो रहा है यार। सॉरी ग्रास वीट सीड्स क्यों नहीं देती, सिर्फ उसी क्यों देती है, बाकियों के साथ इतना इंसाफी क्यों, क्यों मैं आवाज उठाऊंगा ब्लू। ब्लू ले आया वीट सीड्स। ठीक है अब लगा दे। अब एक दो दिन रुक जा, ये वीट को बड़े होकर पकने दे। Do you lost your mind, Vudu? My stomach is more empty than vacuum, and you want me to wait for one or more days, you medlet? Talking in English and becoming angry on me will not gonna solve the problem. It will take time. और नहीं हो रही सबर, तू नॉन वेज खा ले। Till then I will become skinny as dry wood. लकड़ी की तरह सूख जाएगा मैं। Can't able to move my hands. अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाएगा। Don't give me subtitles. मुझे आती है English. Shakespeare को मैंने सिखाई थी। अरे लड़ो मत। एनिमीज से ज्यादा तो आपस में लड़ रहे हो तुम। तुझे कोई जरूरत नहीं नॉनवेज खाने की, तू ब्रेड ही खाना। मैंने कल बहुत सारे स्केलेटन को मारा जिससे मुझे बहुत सारा बोन मिला, फिर मैंने उसको बोन मील में क्राफ्ट कर लिया। अब ये क्या बोला है? ये एक फर्टिलाइजर होता है जिसको तू इस फसल में डालेगा तो ये तुरंत उग जाएगी, फिर तू उस वीट को उखाड़ के उससे ब्रेड बना के तुरंत खा सकता है। तो मेरा मुंह क्यों तकड़ा है, जल्दी होगा ना? भूख से मर रहा है मैं, इधर नाखून गा के पेट भर रहा हूं। खा ब्रेड, ठूस, जान खा रहा इतनी देर से। जान खाने से पेट नहीं भरा था ना ब्लू। आनंद आ गया। बस पानी और मिल जाए। उसके लिए बाल्टी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आयरन इंगट चाहिए। उसके लिए आयरन और चाहिए। उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। चल चिंटू माइनिंग करने। अरे मेरे को क्यों ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, मेरे को थोड़ी आता है कुछ। अबे मैं हूँ ना साथ में, डरता क्यों है, डर को मार गोली, लेट्स प्ले होली, मतलब लेट्स डू माइनिंग। यो जाने से पहले बुढ़े लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, टॉर्च और हथियार बनाने के काम आएंगे। ये तो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क लग रही है। देख मैं जाते वक्त लेफ्ट साइड टॉर्च लगा रहा हूँ, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड टॉर्च है तो अपन गुफा में अंदर की ओर जा रहे हैं, और राइट साइड है तो गुफा से बाहर आ रहे हैं ब्रो, इसलिए लगा रहे हैं ताकि भटके नहीं। एकदम सही, मजा आ गया, ये हुई ना बात। अरे अपनी बात ही अलग है ब्रो। आई एम द बेस्ट, स्ट्रेस इज द रेस्ट। इतना ओढ़े मत, कहीं से भी ज़ॉम्बी सजाएंगे तेरे को पेल जाएंगे। अबे कद्दू डरे मेरा, तू है तो सा। आजा ले ले ले, आजा आजा आजा। ले ले, कम विथ मी बेबी, कम विथ मी, आजा फास्ट, कम फास्ट, तू भी आजा। चलो घर को अपग्रेड कर लेता हूँ, ये तो काफी बेसिक लग रहा है। आजा आजा आजा। तू क्या कर रहा है? एनिमल फार्म बना रहा हूँ। ठीक है, मैं घर अपग्रेड कर रहा हूँ, और ये दोनों कहाँ मर गए? माइनिंग करने गए। चिंटू वो भी माइनिंग, और वो भी बिना आर्मर पहने, इन्होंने तो यमराज को दावत दे दी। क्या लगता है ये लोग इविलिजार्डी को सक्सेसफुल होने से रोक पाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक तो किसी की कोई फाइट नहीं हुई है, तो अभी जज करना गलत होगा, पर उम्मीद कर सकते हैं। हाँ उम्मीद तो कर ही सकते हैं, पर वो चश्मे वाला तो बिल्कुल ही नौसिखिए लगता है, वो पता नहीं वो कैसे क्या कर पाएगा। हाँ उसका ही डर है, कहीं मर नहीं जाए और मरवा दे बाकियों को। अब वो तो बात की बात है, फिलहाल तो अपन ये पता लगाते हैं कहाँ ठीक होने वाला है। चलो। हाँ चलो। सुन किसी को मारने जाए ना चिंटू, तो सिंपल मारने की बजाय उछक कर खोपड़ी पे मारा कर, ऐसे बहुत डैमेज होता है। बेवकूफ है क्या, किसी को बंदूक चलाना सिखाएगा तो उसको ही उड़ा देगा क्या? ये कोई तरीका हुआ एग्जांपल देने का? मेरे को ही मार रहा है ब्रो। हाँ अब मार इसको, ये जो हाथ में स्वॉर्ड है ना इससे मार उसको, डरे मत, उचक के मार। अरे देख तू, अभी मैं इसका भूत बना के मुंह निकालता हूँ। अरे ये तो कितना क्यूट बच्चे, अरे मेरे तेरे पापा को मार दिया, सॉरी। अरे तू तो मेरे को मार रहा है, अरे अरे रुक, अरे तो
आजा तू भी आजा, ले बाण मारेगा है, ले ले। बहुत सही चिंटू, ऐसे ही लड़ता रहे, एक दिन एंडर ड्रैगन को भी निपटा देगा तू। चल अब आगे आयरन ओर ढूंढते हैं, आज अपन को आयरन लेके जाना है बहुत सारा, और संभल के थोड़ा। हो गया घर अपग्रेड, अब बढ़िया लग रहा है। हाँ एकदम मस्त मिया भाई, वैसे मैंने तो इससे अच्छे अच्छे भी घर बनाए, ये तो कुछ भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, नमक स्वाद अनुसार, क्राफ्टिंग औकात अनुसार। हाँ तो तू बना लेता ना। जरूरत तीच नहीं है, बस ने थोड़ी आए मिशन पे आए, अपन को इधर उधर भटकना है, जरूरत तीच नहीं है। सब तैयारी हो गई, बेसिक चीजों का इंतजाम हो गया। हाँ अभी जरूरत के हिसाब से तो सब हो गया है, फार्म खड़ा कर दिया है खाने के लिए, बहुत सारी आयरन माइनिंग करी जिससे बहुत आयरन के टूल्स बनाए, स्वॉर्ड पिकेक्स वगैरह, और आर्मर भी क्राफ्ट कर लिया प्रोटेक्शन के लिए। बढ़िया, अब सुनो, देयर आर टू ब्लेजेस, एक इधर लेफ्ट साइड सेंड बायोम में और एक उधर राइट साइड प्लेन बायोम में। किस पे अटैक होने वाला है ये पता नहीं है, बट एक रिडल है जिससे पता लगाया जा सकता है। रिडल है ये, मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है, चिल चिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है, खाने के बाद आई हमारी बारी, रोक लो ये महामारी। अभी तक क्या हुआ था वो ऑब्वियसली आप भूल गए होंगे, इतने दिन बाद जो वीडियो डाल रहा हूँ। तो हुआ ये था कि चिंटू उसके दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट पहली बार खेलने आता है, पर एक नॉर्मल सर्वाइवल मोड की जगह उसके दोस्त एडवेंचर मोड लगा देते हैं जिसमें उन्हें डिफरेंट मिशन मिलते हैं ब्लेजर्स को बचाने के। तो सबसे पहला मिशन होता है ईविल आयरन गोलम्स के अटैक से ब्लेजर्स को बचाना। अब किस विलेज पे अटैक होने वाला है वो पता लगाने के लिए स्टीव और एलेक्स उन्हें एक रिडल देते हैं जो कि होता है, मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है, चिलचिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है, खाने के बाद आएगी हमारी बारी, रोक लो ये महामारी। अब आगे अब कोई मजाक मस्ती नहीं, अब सीरियस हो जाओ। हाँ जल्दी रिडल सॉल्व करो और चलो। मिराज मतलब क्या होता है? अरे भूल गया ससुरा, अभी दिमाग में आया था, इतनी जल्दी उतर गया। क्या होता है मिराज का मतलब? चिंटू तू बता दो जल्दी। देखो सबसे पहले अपन डिकोड करोगे मिराज शब्द को, तो ये शब्द बनता है 6 अक्षरों से, थोड़ा ऊपर से देखे तो 2 शब्दों से, मी प्लस राज। तो मिराज का मतलब कोई राज नाम का लड़का जब अपने आप को संबोधित करेगा तो मिराज कहलाएगा, जैसे जब कोई पूछेगा हु इज राज, फिर राज बोलेगा मिराज 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 ब्लू। मेरे शरीर के एक एक अंग को चक्कर आ गई है सुन के। लॉजिक ने 7वें आसमान से कूद के आत्महत्या कर ली। मैं इसको क्यों ले आया माइनक्राफ्ट में, इसको लूडो खिलाओ जाके। मैं मजाक कर रहा था यार, मिराज मतलब होता है इल्यूजन होना कि कोई चीज है पर पास जाके देखो तो नहीं है, जैसे रोड पे तेज धूप में दूर से पानी दिखता है ना, पर पास जाके देखो तो कुछ नहीं, या फिर गड्ढे या फिर टट्टी भी हो सकती है। अभी रोड पे कौन हकता है? हकने वाले तो इंटरनेट पे भी हक रहे हैं, और मैं रोड पे इंसान की नहीं जानवर की बात कर रहा था। मैं समझ गया रिडल का मतलब। चलो भाई तैयारी करने, रिसोर्सेस इकट्ठा करने, और फिर वाट लगा देते इविलिस आर्टी के भेजे का इविल आयरन गोलेम्स की। रुक जाओ उत्तेजित हाथी के बच्चे, बाकी की लाइन भी तो पढ़ ले और समझ ले। मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो सोचने की शक्ति है उसके हिसाब से, और जो मेरे ग्रहों की दिशाओं के हिसाब से प्लेन बायोम के ब्लेच पे अटैक होगा। तो चुप रहे, न धरती का न चांद का ज्ञान देता है ब्रह्मांड का। इस लाइन का क्या मतलब है, खाने के बाद आएगी हमारी बारी? हो सकता है खाना खाने के टाइम के बाद अटैक होगा, मतलब दिन में 12 बजे के आसपास या फिर शाम के 7 बजे। हाँ यही लग रहा मेरे को भी। यही लग रहा क्या? यही है, फालतू टाइम पास मत करो, चलो माइनिंग करते करते सेंड बायोम चलते हैं, ताकि रिसोर्सेज भी इकट्ठा हो जाए और अपन सेंड बायोम भी पहुंच जाए जल्दी।
सबसे पहले अपन बहुत सारा आयरन इकट्ठा करके बनाएंगे आयरन ब्लॉक्स। साथ ही अपन को करना होगा 20-30 पंपकिन इकट्ठा या फिर जितना हो सके, क्योंकि अभी अपने पास फार्मिंग का टाइम नहीं है। और फिर उसको कार्व्ड करना होगा। फिर एक आयरन ब्लॉक के ऊपर 3 आयरन ब्लॉक्स रखो और उसके ऊपर कार्व्ड पंपकिन रखो। फिर आयरन गोलम्स बन जाएगा जो कि इविल आयरन गोलम्स से लड़ने में हमारी मदद करेगा। वैसे तो हमें उनकी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले काफी हूँ इविल आयरन गोलम्स को निपटाने के लिए, बट मदद लेने में क्या जाता है, 4 से 40। चलो बढ़िया है मियां भाई, तुम खुद से भी तो कुछ सीख रहे हो आगे। तू देखता जा बस आगे आगे मैं क्या करता हूँ। चलो तुम लोग ये केव में जाकर माइनिंग करो, सारा आयरन ले आओ, डायमंड्स मिल जाए तो क्या ही कहने। मैं इधर आसपास जाके पंपकिन ढूंढता हूँ और अब सीधे विलेज पे ही मिलूंगा। ठीक है, तू जाके पंपकिन ढूंढ, हम तीनों इधर माइनिंग करते हैं। तीनों एक साथ क्यों चल रहे हैं, अलग अलग केव में जाते हैं ना, जल्दी काम होगा। तू अकेला जा पाएगा? कोई शक? हाँ है। तो उसकी पुंगी बनाकर लावा में फेंक दे पड़ो, क्योंकि अब हम वो चिंटू नहीं रहे जो क्रीपर को देख के भागा करते थे, अब तो हम क्रीपर को फटाके की तरह हाथ में पोड़ते हैं। क्रीपर से याद आया, माइनिंग करते वक्त तेरे को जरा सी भी क्रीपर की फटने की आवाज आए तो तुरंत शील्ड लगा लेना, मरेगा नहीं। एक तो वो साला कहीं से भी टपक जाता है कौए की पोट की तरह। ठीक है, साला सिर्फ 10 आयरन गोलम बनाने के लिए 360 आयरन इंगट चाहिए, इतना आयरन और खोदते खोदते तो मेरा हाथ लकवा मार जाएगा। अबे हटना हरी चटनी। ओह 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 ओह, वाह वाह वाह, डायमंड्स, क्या बात क्या बात क्या बात है। व्हाट यू नो अबाउट माइनिंग डाउन इन द केव्स? आखिरकार मिल ही गए पंपकिंस। कितने, 10-11-12 लग रहा है। ओ कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मुझे इसको पालना है, मुझे इसको पालना है, पर मेरे पास तो हड्डी नहीं है, क्या करूं? ओ बो रहा है स्केलेटन। बहू बहू मिया बहू मिया बहू। Hey you, Mister. Hey, who are you? And why are you standing in my way? कौन है तू? तू इतना लंबा क्यों है? तेरे को क्या किसी ने बचपन में खींच दिया था? तेरे को क्या दस्त लगे जो ऐसी आवाज निकालता है? और मुंह से हकता है क्या जो मुंह से निकाल रहा है? गुस्सा किस पे हो रहा है? किसको आग दिखा रहा है? क्या कर देगा तू मेरा? अरे भागो, अरे भागो भागो, बुड़ू बुड़ू। ये तो टेलीपोर्ट हो सकता है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? अरे यार, बाल बाल बच्चा बड़ू, बाल बाल बच्चा, बाल बाल, अब तो रुक साले, अब रुक साले तू। ये दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए कभी अच्छी थी ही नहीं, और ना ये तुम्हारे लिए कभी अच्छी होगी। तो फिर इस दुनिया के लिए अच्छा क्यों बनना? Be the evil in the world, be the evil guardian. तुम पिलेजर्स के लिए लड़ते हो, उनको बचाते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। जाओ मेरे लिए काम करो, पिलेजर्स पे हमला करो, उनको मेरा बत्ती बना के लाओ, जाओ। चलो एक गेम हो जाए। हो जाए ब्रो, मैंने नहीं खेला आज तक माइनक्राफ्ट, मुझे नहीं आता। अबे टेंशन ना ले, हम है ना, कुछ नहीं होगा, सब बता देंगे। हाँ मियाँ भाई, बहुत मजा आएगा, एक बार चलो तो। ठीक है, तुम्हारे ही भरोसे चल रहा हूँ। अरे यहाँ पे जो डब्बे डब्बे चारों तरफ, ओहो वो सन को देखो, सन को चौकोर आकार का बादल भी, कैसी दुनिया है बिड़ू। यही तो इस माइनक्राफ्ट दुनिया की खासियत है चिंटू, देखता जा बस तो कितना मजा आएगा। दोस्तों आपको भी इस मजे का अनुभव करना है तो अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब सक्कर चाय करो और नोटिफिकेशन दबाओ ताकि ये सीरीज की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। देख चिंटू, कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग है, चुपचाप कान खोल के सुन ले। बिड़ू तो स्क्रू ड्राइवर दे ना ताकि कान के नट खोल सकूं। मिया भाई ये फालतू जोक मारने का समय नहीं है। ये तो जोक भी नहीं था। हाँ हक दिया था मुंह से। कसी है।
चिंटू टाइम पास मत कर, अभी रात हो जाएगी। फिर तो रात में परियां आएंगी, परियां। परियों नहीं, परियों के बाप दादा चाचा आएंगे, ज़ॉम्बीज, क्रीपर, स्पाइडर, एंडर ड्रैगन, वो यहाँ नहीं आएगा ढक्कन। पहली बात तो अभी यही नहीं पता इसमें एंडर ड्रैगन है कि भी नहीं, या फिर कोई नए नए मॉब भी हो सकते हैं। ये रेगुलर सर्वाइवल गेम नहीं है, इसकी स्टोरी अलग है ताकि अपने सब्सक्राइबर को कुछ नए देखने को मिले, इसलिए बोल रहा हूँ रूल्स सुन लो, कान खोल कर चुपचाप लगे बकेती पहले। तो बोलने बड़ू, हमने कब रोका है? देखो मियाँ भाई, इस माइनक्राफ्ट दुनिया में अपन आए खाली हाथ और जाएंगे पता नहीं क्या करके, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कौन कौन से मॉब से अपनी लड़ाई होने वाली है, क्या क्या होगा आगे। जब तेरे को पता ही नहीं खेलते कैसे, तो तू लाया क्यों मुझे? अंडे तोड़ने आते नहीं, ऑमलेट बनानी चली। खेलना आता है मियाँ भाई मेरे को, एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के बॉस मॉब को मार चुका हूँ, एक से बढ़कर एक चीजें करी अपने वर्ल्ड में। बट अपन जो आप कर रहे हैं इसकी स्टोरी लाइन अलग है, इसमें शायद किसी से अपनी मुलाकात हो सकती है, वो अपन को बताएगा ऐसा करो वैसा करो, या फिर समय के साथ शायद अपन को खुद ऑटोमेटिकली पता पड़ जाए कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। राइट नाउ वी डोंट नो, अपन को तो बस अपने आप को तैयार करना है बेसिक चीजों से, जैसे घर, आर्मर से, खाना से। सबसे पहले आज अपन को बनाना पड़ेगा घर, क्योंकि रात में आते कुछ चमन जो दिन में सो लेते हैं, रात में अपन को मारते हैं, तो उनसे बचने के लिए घर होना जरूरी है। बड़ू तो खरीद लो घर इन गेम पैसों से, बनाने की क्या जरूरत यार, ये GTA 5 नहीं है, इसमें सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, A to Z चीजें, आसपास जो भी मटेरियल है उसको यूज करके, और इसमें ही तो मजा है मेरे मियां भैया, यू कैन बी क्रिएटिव एज फक। यस, मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड देख लेगा तो पागल हो जाएगा। क्या तूने सिर्फ पागल खाने बनाए क्या अपने वर्ल्ड में? एक दूसरे को रोस्ट करो तुम, नहीं एक दूसरे को रोस्ट करो, रात हो गई ना तो ज़ॉम्बीज आके फ्राई कर जाएंगे। चलो मटेरियल इकट्ठा करना है, एक बीम भी खड़ा नहीं हुआ अभी तक, चलो। बस इतना सा ही था बताने को बड़ू? अरे बहुत कुछ है बताने को, पर अभी नहीं बताऊंगा, रात हो जाएगी, टाइम टू टाइम जरूरत होगी तो बता करूंगा। हाँ, और एक और बात, इस स्टोरी मोड में अपन सबके पास बस एक ही लाइफ है, कोई रिस्पॉन होने वाला सिस्टम नहीं है। अगर अपन चारों की मिला के टोटल 4 लाइफ खत्म हो जाती है और स्टोरी खत्म नहीं कर पाते, मतलब वो आखिरी एनिमीज नहीं मार पाते, तो फिर एनिमी की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और जिंदगी भर भय रहना पड़ेगा, अपन असली दुनिया में वापिस नहीं जा पाएंगे, इस गेम में ही रह जाएंगे। सो बी केयरफुल मियाँ भाई, कीप योर सिली जोक्स टू योरसेल्फ। असली दुनिया में तो वापिस जाना है यार, यहाँ पे तो एक भी लड़की नहीं है। सॉरी डार्लिंग, ये निब्बा ही रहेगा जिंदगी भर, तो चलो घर बनाने। सुन चिंटू, ये पेड़ में से लड़की का लकड़ी का लट्ठा इकट्ठा कर, फिर उसको प्लैंक में कन्वर्ट कर, फिर प्लैंक से स्टिक बना, फिर स्टिक और प्लैंक से हथियार बना, जैसे गेथी, पावड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी, ये सब, फिर उन हथियार से पत्थरों को खोद के इकट्ठा कर, बस इतना का रास्ता तू। बड़ू तेरे को अगर टॉयलेट लगी है तो तू मुत के आ जा, पर स्लो बोल, ये क्या रायता फैला दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपने स्टोन एज के दिमाग को अपग्रेड करो मॉडर्न एज में, सिंपल सी बात है, ये है वुड लॉग, इसको तोड़ के इकट्ठा करो, फिर अपनी इन्वेंटरी में जाके इसको प्लैंक में क्राफ्ट करो, फिर उस प्लैंक से वुड स्टिक एंड 3x3 के क्राफ्टिंग टेबल बना लो अपनी इन्वेंटरी में, 2x2 के क्राफ्टिंग टेबल्स, बस इतना करो। कुछ समझ तो नहीं आया पर ट्राई करूंगा। बहुत मजदूरी करनी पड़ती है माइनक्राफ्ट में।